आपसे बोल जाइए सभी जल्दी से। हम जो आज अभी जो टेस्ट लाइव क्लासेज करें दोस्तों, पर आप जुड़ जाइए सर। और ये पहला क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया सब लोगों ने, स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, पते एक मुख्य सड़क पर 81 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। वो बस दोस्तों 85 किलोमीटर पर स्थित है और दो बिंदुओं से चलना स्टार्ट करती है एक दूसरे की ओर, यानी दोनों बसें एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट कर रही है, एक प्रमुख पॉइंट से स्टार्ट कर रही है। तो जैसे ये टोटल जो आपकी दूरी है दोनों के बीच 85 है, 185 किलोमीटर है, और दो बस है हमारे पास, और दोनों बस एक बस इस साइड के लिए आएगी और दूसरी साइड के लिए आएगी। तो दोनों बसें चलना प्रारंभ करेंगी और पहली बस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है वैसे वैसे हमें कर लेना है। डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे हमें कर लेना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी स्थित दो बिंदुओं को एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है दोस्तों, आप पहली बस को यहां से स्टार्ट कर सकते हो, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है दोस्तों। पहली बस इस पॉइंट से 35 किलोमीटर चलती है, ठीक है दोस्तों, 35 किलोमीटर चलती है और उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ हमें वैसे वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है। अब ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको ये दायां मुड़ना एंड बायां मुड़ना ये थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा दोस्तों, उम्मीद है वैसे सब लोगों को पता होगा, नहीं है तो देखिए दोस्तों, पहले दायां और बायां, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। सारी चीजें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पे दायां और बायां सब पे आना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट एंड राइट की, तो देखिए दोस्तों दायां और बायां, देखिए डी से हमारा बनता है दायां एंड बी से बनेगा हमारा बायां। डी से क्या बनता है दोस्तों, दायां, और बी से बनेगा दायां। मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको भूलने का काम नहीं रहेगा, एनी टाइम कभी भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, कभी भी आपको देखना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जैसे आप अपने सिर्फ दोनों हाथ है आपके पास, दोनों हाथों को इस तरह से आप अगर करोगे तो आपको लेफ्ट एंड राइट मालूम चल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो एक तरफ मेरा बी बनेगा एंड दूसरी तरफ मेरा डी बनेगा, तो जिस तरफ मेरा बी बन रहा है वो मेरा बायां हो जाएगा और जिस तरफ मेरा डी बनेगा दोस्तों वो मेरा दायां हो जाएगा। एनी कंडीशन यही चीज आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई होगी। चलिए दोस्तों, तो कहां मुड़ रहा है, 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और तो दाया। अब देखिए दोस्तों, ये ईस्ट की साइड देख रहा है, दाया किस तरफ होगा दोस्तों, इसका डी देखेंगे नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ कितना जा रहा है दोस्तों, नीचे 17 किलोमीटर चलती है, तो ये 17 किलोमीटर बस चल जाती है। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, 17 किलोमीटर चलती है और उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। अब दोस्तों यहां से बायां देखेंगे दोस्तों तो बायां उस तरफ होगा डियर फ्रेंड्स, तो बाईं तरफ मुड़ के कितना चलती है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। ये लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे बोल रहा है सिर्फ हम उस तरीके से करते जा रहे हैं, 42 किलोमीटर चलती है तथा मुख्य सड़क की ओर वापस पहुंचने की दिशा लेती है, तो यहां पहुंच के वापस मुख्य सड़क की तरफ चलेगी दोस्तों। मुख्य सड़क यही है ना डियर फ्रेंड्स, मुख्य सड़क हमारी ये है, तो ये वापस मुख्य सड़क की तरफ जाएगी और मुख्य सड़क पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण थोड़ी टेक्निकल इश्यूज हो गई है, तो दूसरी बस
मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 36 किलोमीटर चलती है। तो दूसरी बस दूसरे पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगी दोस्तों, तो दूसरी बस सिर्फ मुख्य सड़क पर कितना चलती है दोस्तों? 36 किलोमीटर चलती है। ये दूसरे पॉइंट से और सिर्फ 36 किलोमीटर चलती है। ये हमारी बस फर्स्ट है एंड ये बस हमारी बस है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों बस हो गई चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच कितनी दूरी होगी? डिस्टेंस पूछा है दोस्तों हमसे, इन दोनों बसों के बीच इस समय कितना डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस नंबर दूसरी जो है वो तो 36 किलोमीटर चल के आई है और फर्स्ट बस जो है वो 35 तो यहाँ चली। अब देखिए दोस्तों, ये घुमा है, ये मुख्य सड़क पे नहीं है, मुख्य सड़क पे नहीं है। देखो ये 17 है तो ये भी 17 होगा दोस्तों, लेकिन मुख्य सड़क पे नहीं है। मुख्य सड़क पे ये जब वैल्यू 17 है, ये भी 17 हो गया, ये 42 है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों? 42 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर और ये कितना है दोस्तों? 42। तो 35 और 42 तो ये इस बस ने चलाया और 36 किलोमीटर हमारी ये बस चली। दोनों का ऐड कर लेंगे दोस्तों और टोटल दूरी जो है उसमें से जो बचा कुचा है वो माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 35 प्लस 42। ये तो आपका फर्स्ट बस हो गया और सेकंड कितना चला? 36 किलोमीटर। ऐड कर दो मेरे भाई, जल्दी से ऐड कर दो, 35 और 42, 6 और 2 8 और 5 11, 6 2 8 5 13, 3 और 4 7 और 3 10 और 11, 113 किलोमीटर बसों ने तय कर लिया दोस्तों। और टोटल दूरी कितनी है हमारी? 185 किलोमीटर। तो 185 किलोमीटर में से 113 तय कर लिया डियर फ्रेंड्स, तो कितना बच गया दोस्तों? 185 से 113 किलोमीटर तय कर लिया, तो कितना बच जाएगा अब हमारा? माइनस कर दो दोस्तों, जल्दी से माइनस कर दीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 72 किलोमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शन, 72 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ सबको? चलिए क्लियर हुआ सबको, एक बार शेयर कर दीजिए चैनल को, जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए चैनल को। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, थोड़ा सा मिस्टेक किया यहाँ टाइपिंग में, थोड़ा सा हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साद्रस्ता से संबंधित क्वेश्चन है हमारा, समझ में आ रहा होगा आपके, साद्रस्ता बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, लेखक का जो संबंध आपको कलम के साथ दिखाई दे रहा है वही संबंध हमको दर्जी का किसके साथ होगा, यह आपको बता देना दोस्तों। लेखक का, तो देखिए दोस्तों, लेखक का प्रमुख जो काम होता है, प्रमुख जो औजार होता है, लिखने वाला लेखक का जो प्रमुख औजार होता है, राइटर का जो प्रमुख औजार होता है वो क्या होता है दोस्तों? कलम होता है। इसी तरह से दर्जी का क्या होगा मेरे भाई? दर्जी का क्या होगा डियर फ्रेंड्स? दर्जी का क्या होगा? तो यहां से देखिए, कुलाड़ी, आरी नहीं होगा दोस्तों, सर्जन ये तो डॉक्टर्स का होता है दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा सुई। सुई क्या है दोस्तों? लेख दर्जी का प्रमुख औजार है जिसकी सहायता से वो कपड़े सिलने का काम करता है। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ गया होगा सबका आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट्स करके बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग नरेश कुमार गुर्जर, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग जी महर, राम राम सर, राम राम जी, राम राम। ये आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। यहां से सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ उसका पिछला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज पे आधारित था और ये इंग्लिश अल्फाबेट पे आधारित है। तो आंसर कर दीजिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, कोड कर लेंगे आर 18, 1 एम का कितना होता है दोस्तों 13, ओ का 15, कोड कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, एस का 19, टी का हो जाएगा 3, टी का होता है दोस्तों 16 और एस का हो जाएगा 19। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब इसका जो संबंध इसके साथ आएगा वही संबंध हम इसका करके आंसर कर देंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ आर देखो, आर का 18, या क्या दे रखा है 19, या क्या किया जा रहा है दोस्तों प्लस 1 किया जा रहा है, सेकंड देखेंगे 1 और यहाँ कितना दे रखा है दोस्तों 3, 18 का 19 प्लस 1 हुआ, 1 का 3 देखा प्लस 2 हो गया दोस्तों
13 से कितना आ रहा है दोस्तों 16, तो ये 13 और 3 16 हो गया डियर फ्रेंड्स, 15 से 19 तो कितना हो रहा है दोस्तों प्लस 4, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, सेम कंसेप्ट आगे फॉलो करेंगे और आंसर करिए दोस्तों। चलिए आंसर करिए दोस्तों, आंसर करिए, आंसर करिए। देखिए आर का 18, ए का 1, एम का 13, ओ का हो गया 15, ओ का इसी तरह से हमने इधर कोड किया तो एस का हो गया दोस्तों 19, का हो गया 3, टी का है 16, एस का 19, कोड कर लिया। कोड के बाद चेक करेंगे तो यहां से हमने देखा आर 18 पे आता दोस्तों, आर 18 है और एस कितना दोस्तों 19, आर का 18 एस का 19 तो क्या हो रहा है दोस्तों प्लस 1 हो रहा है डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों प्लस 1 हो रहा है। यहां से हमने यहां देखा क्या हुआ दोस्तों प्लस 1 हुआ, नेक्स्ट में जब हमने देखा 1 और 1 से कितना आ रहा है दोस्तों 3, यहां प्लस 2 हो रहा है और यहां जब 13 है और 13 से कितना है माय डियर 16, कितना बढ़ गया दोस्तों 13 से 16 प्लस 3 हो गया दोस्तों और 15 से कितना दे रखा है दोस्तों 19, 15 से 19 कितना प्लस हो जाएगा दोस्तों प्लस 4 हो जाएगा। तो अब आपकी समझ आ गई होगी दोस्तों प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4, कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम कंसेप्ट को यहाँ कॉपीराइट कर देना है, यहां से कॉपी किया और यहां आपको पेस्ट कर देना है। क्या करना है दोस्तों, पहले वाले में प्लस 1 करना है, दूसरे वाले में प्लस 2 करना है, तीसरे वाले में प्लस 3 करना है एंड चौथे वाले में क्या करना है दोस्तों प्लस 4 करना है। चलिए तो देखिए पहला बी, अब बी का कोड बताइए डियर फ्रेंड्स, बी का कोड कितना है, बी बी 22, ठीक है दोस्तों बी का कितना है 22, एक्स एक्स का कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, मेरा 13, एम का कितना हो गया मेरा 13, जैसे जियो, और जब जियो आप लिखते हो ना दोस्तों देखो इस तरीके से जियो, जियो के अंदर जे का कोड भी आ जाता है मेरे भाई, जियो के अंदर कोड भी कितना आ गया 10, तो जे का कितना हो गया दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बी देखो बी एक स्पेलिंग होती है इंग्लिश की डब्ल्यू बी, बी यानी हम और हम दो हमारे दो, इसलिए बी का कितना हो गया दोस्तों 22 हो गया डियर फ्रेंड, कितना 22। अब करना क्या है आपको, सेम कंडीशंस फॉलो करनी है, पहले वाले में क्या करना है दोस्तों पहले वाले में प्लस 1 कर देना है, दूसरे वाले में आपको प्लस 2 कर देना है और तीसरे वाले में प्लस 3 करना है एंड चौथे वाले में क्या करेंगे दोस्तों प्लस 4 कर देंगे। फिर वो दोस्तों चलो पहले वाले में प्लस 1 करना है हमको, पहले वाले में प्लस 1 करेंगे, दूसरे वाले में प्लस 2 करेंगे, तीसरे वाले में प्लस और चौथे प्लस 4, ठीक है दोस्तों चौथे वाले में क्या कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। चलिए 22 और एक कितना हुआ दोस्तों 23, 24 और 2 26, 13 और 3 कितने 10 और 4 14 ऐड करना। अब इनके नंबर आपको ध्यान रखना, 23 पे कौन सा वर्ड आता है दोस्तों, कौन सा अल्फाबेट आएगा W, एंड 26 ये तो सबको मालूम ही होगा 26 मतलब बिल्कुल लास्ट वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसके बाद 16 ठीक है, पी का कितना होता है दोस्तों 16, पी का होता है दोस्तों 16 और एन एन का कितना होता है दोस्तों 14, तो ये सब आपको ऑलरेडी याद होगा डियर फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या गया डब्ल्यू जेड पी एन, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों डब्ल्यू जेड पी एन, डब्ल्यू जेड पी एन आपको डी ऑप्शन में डब्ल्यू जेड पी एन, तो यहां से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्वी जी आपने पहले बी ऑप्शन किया तो रॉन्ग आंसर है डी ऑप्शन बाद में, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया डी ऑप्शन आपने आंसर किया ठीक है सबको क्लियर हुआ आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। कुछ नहीं करना था दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको देखना था आर 18 पे है एस 19 तो प्लस 1 किया, ए का कोड 1 होता है का कितना 3 होता है तो 1 और 3 यानी 2 प्लस हमने कर दिया, 13 से 16 हम गए तो प्लस 3 हमने कर दिया, 15 से 19 कितना प्लस 4 प्लस कर दिया, सेम कंडीशंस यहां 22 में 1 जोड़ा तो 23 आ गया दोस्तों, 24 में 2 जोड़े तो 26 आ गया, 13 में 3 जोड़ा तो 16 हो गया और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए अगर समझ आ गया हो तो एक बार बता दीजिए कमेंट्स करके थम्स अप करके बता दीजिए कि आपकी समझ आ गया है, चलिए जिससे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों चलिए तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए क्या आंसर आएगा सर, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। ये दी गई व्यवस्था से सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो
निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर दसवां स्थान पर होगा, x के दाईं ओर दसवें स्थान पर होगा। चलिए जल्दी से कमेंट्स करके बताइए सर, एएलपी की वैकेंसी जल्दी आ रही है बेटा, एएलपी की वैकेंसी बिल्कुल जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, कुछ बहुत जल्द आ रही है दोस्तों। आप पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ना जारी रखिए। सर पहले वाले का डी था, पहले वाले का डी था, देखिए वापस मैं बताता हूँ आपको, पहले वाले का डी था, डब्ल्यू पी नहीं होगा, देखो ये पी दिया, डब्ल्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखो एक्स दे रखा है और एक्स में जब आपने दो को ऐड किया तो 26 हुआ, 26 ऐड नहीं होगा। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा और वीडियो अपलोड होने के बाद वापस से चेक कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा, आंसर करिए हो गया होगा आंसर। तो यहाँ देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान ये देना है कि सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों, सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये विशेष वर्ण क्या होते हैं, हटा तो देंगे दोस्तों लेकिन विशेष वर्ण कौन से हैं जिन्हें हमें हटाना है। हटाने के बाद ये आपको एक व्यवस्था दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, इसमें से आपको विशेष वर्णों को हटाना है, विशेष वर्णों को हटाना है। चलिए विशेष वर्ण कौन से हैं हटा दीजिए एक बार। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि विशेष वर्ण कौन से होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो होते हैं हमारे अक्षर और एक होती है हमारी संख्याएं, और इसके बाद जो बचेगा वो होता है हमारा विशेष वर्ण। इसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा दोस्तों, विशेष वर्ण। अब बात करते हैं कि संख्याओं में क्या आता है, अक्षर में हमें क्या देखने को मिलेगा एंड विशेष वर्ण क्या होगा। तो अक्षर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अल्फाबेट जो भी है हमारा ए टू जेड जितने भी तो अल्फाबेट है सबके सब किसके अंदर आ जाएंगे डियर फ्रेंड्स, अक्षर के अंदर आ जाएंगे। ए टू जेड जो अल्फाबेट है हमारी किसके अंदर होगी डियर फ्रेंड्स, अक्षर के अंदर होगी। एंड संख्याएं ऑल ओवर संख्याएं हमारी 9 तक अगर मैं कहूँ, सिंगल डिजिट अगर मैं बात करता हूँ नंबर की, तो 0 से लेके 9 उसके बाद जो भी आगे बढ़ेंगे तो सब ऐड हो जाएगा। तो नंबर्स हमारे जितने भी नंबर्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, संख्या। और विशेष वर्ण इसके अलावा जो आपको दिखाई देता है, नंबर और अल्फाबेट के अलावा जितने भी है जो भी आपको दिखाई देता है सब किसके अंदर आएगा दोस्तों, विशेष वर्ण के अंदर आ जाएगा। नंबर और अल्फाबेट के अलावा जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब किसके अंदर आएगा दोस्तों, विशेष वर्ण के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ आपको देखो हैश दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहा है, एंड दिखाई दे रहा है, तो ये सब डॉलर दिखाई दे रहा है, ये सब किस प्रतिशत दिखाई दे रहा है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, विशेष वर्ण के अंदर आ जाएंगे। अब आपसे बोल क्या रहा है डियर फ्रेंड्स, सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए। तो जो आपके सामने सीरीज है इसमें से आप क्या हटा देंगे दोस्तों, विशेष वर्ण हटा देंगे। तो दाएं एक्स के दाएं देखो एक्स, तो सबसे पहले तो आपको एक्स ढूंढना है, ये रहा हमारा एक्स, सबसे पहले क्या ढूंढना दोस्तों, जो बोला जाए, क्या बोल रहा है, x के दाएं। अब x के कहां जाना है आपको, दाएं जाना है। मैंने एक पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं ये बता चुका हूं दोस्तों कि दाएं जाना है, तो दायां कैसे जाएंगे दोस्तों, दाएं कैसे जाएंगे, तो दाएं कैसे जाएंगे, x के दाएं जाना है आपको, तो सीधे सीधे आप दायां देख लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूं लेफ्ट एंड राइट का, दायां मतलब डी, डी इस तरफ हमारा बन रहा है, देखिए दोस्तों डी किस तरफ बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो दायां किधर होगा दोस्तों, एक्स का दायां किधर होगा, इस तरफ होगा। चलिए दोस्तों कितना जाना है हमको, 10, हटाना क्या है हमको, विशेष वर्ण। तो विशेष वर्ण को छोड़ते हुए हम कितना काउंट कर लेंगे, 10 काउंट कर लेंगे। देखिए ये विशेष वर्ण है 1 2, ये विशेष वर्ण है 3 4 5, ये विशेष वर्ण हो गया 6 7 8, ये विशेष वर्ण हो गया 9 एंड 10, कहां पहुंचे दोस्तों, आर पे। और यही हमारा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, रॉयल मीना जी, यही है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर है रॉयल जी, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, विशेष वर्ण क्या होता है, जो भी अक्षर और संख्याएं होती है उनके अलावा जितने भी चीजें आपको, जितने भी सिंबल्स आपको यहां देखने को मिलेंगे सबके सब किसके अंदर आएंगे दोस्तों, विशेष वर्ण के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ सबको, चलिए चलो आर आंसर बिल्कुल ठीक है, आर ही आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन
पड़ता है पहले वाले का भी बी नहीं है, पर आप फिर से चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, बी नहीं है। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं, आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर जल्दी से पढ़ लीजिए। सीरीज का है, अल्फाबेट ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है। विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। चलिए दोस्तों करिए आंसर, क्या होगा डियर फ्रेंड्स आंसर, जल्दी से आंसर करें आंसर। रावत चहन भाई, नवीन चहन, देखो मैं आपको यहां से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आंसर करने के लिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। कलर चेंज कर दिया दोस्त, दिखाई देगा ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली आप पहले इन नंबर्स को गिन लो एक बार, जितने भी अल्फाबेट यहां दे रखे एक बार काउंट कर लो, उसके बाद देखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, कितने अल्फाबेट है दोस्तों 18। तो अब ध्यान दें, देखिए ये ग्रुपिंग है, टोटल कितने हैं 18। अब कोशिश करिए कि 18 को आप टुकड़े वाइज डिवाइड कर सके, डायरेक्टली इसके टुकड़े कर सके, तो इसको कितने से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और अगर 6 से डिवाइड कर 3 आ जाएगा, यानी 6 के 3 जोड़े हो सकते हैं या 3 के 6 जोड़े हो सकते हैं। चेक कैसे करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चेक कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 1, 2, 3, मैं पहले 3 का जोड़ा चेक करता हूं, 1, 2, 3, अब 3 मेरा यहाँ पे हुआ, 3 मेरा यहाँ पे हुआ, तो 3 के बाद अगर रिपीट होगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ सी आना चाहिए, क्या सी यहाँ आ रहा है, क्या सी यहाँ आ रहा है, नहीं है ना, बी है, और बी के यहाँ तो तब पता चलेगा जब यहाँ सी होता, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए जब 3 का ग्रुप सही नहीं है तो कितने का चेक करेंगे, 3 का जब सही नहीं है तो कितने का चेक करेंगे, 6 का चेक करेंगे, 3 का जब हमारा सही नहीं हुआ तो 6 का चेक करेंगे, क्योंकि 18 अल्फाबेट टोटल है, 3 का जब सही नहीं होगा तो कितने का चेक करेंगे, 6 का चेक करें, देखिए 6 का चेक करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ भी सी था और यहाँ भी क्या है, ये पहले वाले में भी सी और के बाद भी क्या दिखाई दे रहा है, सी के बाद यहाँ देखिए ए क्या लिखा हुआ है, ए, तो यहाँ जो ये खाली है इसमें अपन क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, क्लियर हुआ। तो रिपीट होने का मतलब यही है, ये जो 6 लेटर्स आपको दे रखे हैं, 6 जो अल्फाबेट आपको दे रखे हैं, 6 के बाद जो रिपीट होगा सेम होना चाहिए। उसके बाद देखो बी, तो यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, बी, इसके बाद देखेंगे आप यहाँ क्या है बी, इधर ब्लैंक क्या लिख देंगे आप बी लिख देंगे, और देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये वाला 1, 2, 5, 6 बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ए बी बी ए सी, क्या आ गया दोस्तों, सी ए बी बी ए सी, तो आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम बन गया, क्या बन गया, सी ए ए, ये आपके पास सीरीज बन के तैयार हो गई, सी ए बी बी ए सी, तो आप डायरेक्टली फॉलो करेंगे तो देखो सी ए बी बी ए सी करना दोस्तों, बस आगे पढ़ना है, तो यहां देखो सी ए बी बी सी, फिर हुआ। अब जो जो ब्लैंक जगह पे आपने लिखा है ऑप्शन चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से ऑप्शन चेक कर लो, क्या देखना है दोस्तों, ए ए सी बी सी भी आपको चेक, क्या चेक करना है दोस्तों, ए सी सी भी चेक, बी आपको चेक, चलिए ये आपका राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो, कर चेंज कर चेंज, ब्लैक तो ब्लैक को चेंज करें, पर आप सही कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। वापस से सुन लीजिए दोस्तों,
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इन लेटर्स को काउंट कर लेना है, और लेटर्स को काउंट करने के बाद डिवाइडेशन में चले जाना है, और जो ग्रुपिंग होगी उससे आपके बहुत ही कम टाइम में बिल्कुल जल्दी से हो जाएंगे। अगर यहाँ 16 लेटर्स आप काउंट करते तो आप उसको डिवाइड करते तो 4-4 ग्रुप्स हो जाते, इस तरीके से आप कर लेते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करिए आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन, तो पहले आप इनमें मतलब देखिए, वकील और कोर्ट का संबंध, और वही संबंध आपको विभाजन का किसके साथ होगा आना है। पहले क्या चेक करना है दोस्तों, वकील का संबंध कोर्ट के साथ, वकील बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बिना टाइम लगाए कर लेते हैं। जल्दी से आप आंसर कमेंट्स करके क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। वकील और कोर्ट, पिछले क्वेश्चन का कर रहे होंगे आप, पिछले क्वेश्चन ठीक पार्लर, आंसर चलो चेक कर लेते हैं। देखो वकील, अब वकील कहां मिलता है दोस्तों, वकील का जो कार्य है कोर्ट के अंदर, वकील का कार्य किस के अंदर रहता है, इस तरह से जो हमारा ब्यूटी होता है तो सब जानते होंगे दोस्तों, तो ब्यूटीशियन का काम क्या रहता है दोस्तों, पार्लर के अंदर, अंदर रहता है दोस्तों पार्लर के अंदर, और आपका ऑप्शन राइट है, क्लियर है सर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटीशियन का पार्लर आपका आंसर, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्लियर अगला अगला क्वेश्चन। और संख्या समूह दिए हुए हैं, आंसर कर जल्दी से आंसर कर, ये क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा इसका, चार संख्या युग्म है, जैसे किसी प्रकार समान है, जबकि चौथा असंग, संख्या युग्म है वो आपको चयन करना है, और जो दिख रहा है आपको उसका आपको चयन करना है, तो जब चेक करके बता दीजिए कौन सा ऑड है डियर फ्रेंड, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जल्दी से करिए आंसर। एक बार आप कमेंट, क्या प्रॉपर आवाज आ रही है आपको, प्रॉपर आवाज आ रही है ना, प्रॉपर आ रही है आवाज, प्रॉपर आ रही होगी, क्या होगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको देखना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, डायरेक्टली चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा ऑप्शन ठीक से वर्क कर रहा है, सिर्फ आपको चेक। देखिये ऑप्शन ए को अपन अगर चेक कर 12 और 96, अब सीधे सीधे कनेक्शन समझ आ रहा होगा आपको, यार इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर आ जाता है तो 96 आ जाता है, अगर मैं 12 को 8 से मल्टीप्लाई आ जाता है तो 96 आ जाता है। इस तरह से अगर मैं ऑप्शन सी को देखता हूँ, देखो 13 है यहाँ, और 13 को अगर मैं फिर वही 8 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाता है, 112 आ जाता है। 12 को अगर 8 से डिवाइड किया तो 12 8 96, और 13 8 कितने होते हैं दोस्तों, 104। इसी तरह से आप यहाँ देखोगे 15 को भी अगर 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो 120 आ जाएगा, 15 8 100। 12 को 8 से गुणा किया, 13 को 8 से गुणा किया, 15 को भी 8 से गुणा किया। अब यहाँ आप देखोगे कि अगर मैं 16 को 8 से गुणा करता हूँ मेरा 120 आएगा, 128 आएगा, जबकि यहाँ कितना दे रखा है दोस्तों,
118, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 118, यानी कि बी ऑप्शन हमारा अलग है। एक दो ये तीनों एक ग्रुप बना रहे, तीनों किसी ना किसी प्रकार से क्या है समान है, तो जो डिफरेंट था वो कौन सा था, बी ऑप्शन, क्योंकि इसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर 128 आ रहा है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो 118 है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? चलिए, सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों सबको? क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में जरूर आया है, लेकिन बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू टाइप का, इतना सब जानते हैं, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चंस में। तो जल्दी से आंसर करके बताइए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से कमेंट्स कर। कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर करें, दिए विकल्पों में शब्द का चयन करें जिस दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता, शब्द का प्रयोग नहीं बनता, और आपको सब पता है लाफ्टर LAUGHR, जल्दी से बताएं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कल बोल रहे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, सर वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए है, ये आपके सामने शब्द है, ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं, एल ए, तो देखिए यहां हमें क्या चाहिए, यहां अवेलेबल है आर, उसके बाद देखो आर चाहिएगा, तो आर ये रहा हमारा, पहले हमने जी अवेलेबल, आर को चेक, आर अवेलेबल, उसके बाद हम देखेंगे यू, तो कहाँ पे ये आपको अवेलेबल दिख रहा है, उसके बाद आप देखोगे एन, तो एन प्रॉपर यूनिट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, एन आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, करिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन, समझ में आ गया तो 10 सेकंड का क्वेश्चन, जल्दी से कर दीजिए आंसर, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो पद का पहले पद के साथ, करिएगा आंसर। आंसर कर क्या होगा, क्या रहने वाला, देखिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा क्या दिया हुआ दोस्तों, एडियाटिक्स दिया हुआ है, और यहाँ क्या है चिल्ड्रंस, बच्चे हैं वो सब डिपार्टमेंट आते हैं, मेडिकल का क्वेश्चन, बच्चे जो है वो आर्टिक्स, आर्टिक्स के अंदर आते हैं, इस तरह से आपको बताना है कि न्यूरोलॉजी के अंदर कौन सी आपको जांच की जाती है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, किस देखा जाता है, तो न्यूरोलॉजी के अंदर दोस्तों देखा जाता है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, हार्ट, ये ब्रेन, ये रहा बिल्कुल ठीक है, ब्रेन दोस्तों, ब्रेन जो होता है उसके क्या कहा जाता है, ब्रेन में अगर कोई कंप्लेंस होती है, ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम किस जाएंगे दोस्तों,
न्यूरोलॉजी के डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर वो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर कोई ब्रॉन में जैसे बारे में अगर कोई बारे में अगर कहाँ से मिलेगी पेडियाट्रिक्स के अंदर, और अगर कोई ब्रेन में प्रॉब्लम्स आती है तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे दोस्तों, न्यूरोलॉजिस्ट के। ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, एकदम रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वापस रिपीट बिल्कुल हो सकता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए, बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर करें। आंसर करता है क्या होगा इसका आंसर, 7383 बनाना है आपको, 4, 5, 6 आपको 245 बनाना है, तरीके से 4, 5 से कितना बनेगा ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर। क्या होगा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये जल्दी से आंसर करें, वैलेंटाइन डे भी है कोई दोस्तों, हाँ चलो ध्यान आ गया, मैं आपको बता भी आप तैयारी पे ध्यान, इस रोज को छोड़िए दोस्तों, रोजगार पे फोकस करो, क्लियर, रोज को छोड़ो रोजगार पे फोकस करो, रोज को छोड़ के रोजगार पे ध्यान दो, क्योंकि रोजगार होगा तो रोज देने वाले रोज मिल जाएंगे, सबसे पहले फोकस रोजगार पे करना है। क्या आ गया दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5, 6, 7 से आपको 385 बनाना है, ध्यान दीजिए 5, 6, 7 स्मॉल लेटर्स है और स्मॉल नंबर है, आपको बनाना है कि 385 ज्यादा बड़ा नंबर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, आपके पास एक मल्टीप्लाई करके बना सकते हो आप, भाई जोड़ के तो बहुत इजी, छोटी सी संख्या बनेगी तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप 5, 6, 7 को मल्टीप्लाई करके ट्राई करोगे, 5, 6, 5 × 20 और 7 से मल्टीप्लाई करते हो आ जाता है आप 10, कम रह गया दोस्त, और तो इस मल्टीप्लाई से नहीं ला सकते, और क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, 5, 6, 7 से आपको कितना लाना है, 384। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5, 6, 7 से क्या लाना है आपको, 384। तो देखिए ये 5 पहला डिजिट मैंने यहाँ लिखा, 5 लिखा, दूसरा जो डिजिट है, दूसरा जो डिजिट है प्लस करते हुए उसका स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, पहला डिजिट एज इट इज लिखा, दूसरे डिजिट का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और जो लास्ट डिजिट है 7, 7 का मैं क्यूब कर दूंगा, पहले का क्या किया मैंने, स्क्वायर किया, दूसरे का क्या कर दिया, दूसरे का क्या कर दिया, क्या आ गया, देखो वापस से आते हैं, 5, 6, 7, 3 करना है, क्या करना है दोस्तों, 5, 6 नंबर पहुंचना है, पहले वाले को एज इट इज लिखा, दूसरे वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया एंड तीसरे वाले का क्यूब कर दिया। अब देखिए 5 का दूसरे वाले का क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, का स्क्वायर, और 7 का क्या करना है, क्यूब करना है, 7 का क्यूब कितना होता है, ऐड करेंगे ना आ जाएगा दोस्तों, पहले वाले का एज इट इज था, दूसरे वाले का स्क्वायर किया और तीसरे वाले का क्या करना है, क्यूब करना है, तीसरे वाले का क्यूब करना है, तीसरे वाले का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा,
वाले का पांच, देखो पांच छत्तीस और सात का तैतालीस ऐड करते हैं, तीन और छह नौ और पांच चौदह, चार और तीन सात और आठ, तीन और चाहिए भी कितना था डियर फ्रेंड, 300। कितना बढ़िया लॉजिक है, वापस से ध्यान दो, बहुत ही शानदार लॉजिक है। पहले वाले को सही डायरेक्टली लिख दिया, दूसरे वाले का स्क्वायर किया और तीसरे वाले का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। इस तरह से अगला देखते हैं, तो पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, दूसरे वाले का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और तीसरे वाले का क्यूब कर देंगे। तो पहले वाले को चार प्लस पांच का स्क्वायर पच्चीस और छह का क्या करना है, क्यूब करना है। छह का क्यूब कितना होगा, तो सोलह। छह का क्यूब कितना होता है, तो सोलह होता है। दो का क्यूब सोलह छोड़ दीजिए, और पांच ग्यारह और चार पंद्रह, दो पांच और एक छह, पांच ग्यारह और चार पंद्रह हासिल चार आगे दो। डायरेक्टली अब बता दीजिए आंसर्स आगे होंगे आपके, अब आंसर आगे होंगे क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। चार का क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, पहले वाले को से डायरेक्ट लिखेंगे, दूसरे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो चार का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का क्या करना है, क्यूब करना है, घन करना है दोस्तों, पांच का घन करना है, जो भी आपका आएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली तीन और चार का स्क्वायर कितना है डियर फ्रेंड्स, चार का स्क्वायर सोलह और पांच का क्यूब है, पांच इंट पांच इंट पांच करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 125 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 25 सोलह इकतालीस और तीन चवालीस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन। वापस से सुन लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं मैं, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत शानदार लॉजिक है। पहले वाले को डायरेक्टली लिखा, दूसरे वाले का स्क्वायर किया एंड तीसरे वाले का क्यूब करके रखा और पांच छत्तीस और तीन ऐड किया तो तीन राशि और दोस्तों के, अगर बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, सभी दोस्तों में अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर। क्लियर हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, आंसर करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या होगा इसका क्वेश्चन, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो सिंगल लेटर से आप हल कर, सिंगल से आप पहला पहला देखेंगे। पहला डिजिट पहला पहला ए बी सी एक दो तीन जानते होंगे, एफ मतलब फिक्स क्या ने सिक्स, एच से होगा हार्ट, हार्ट कितने दिन में लगा, आठ दिन में। अब यहां नेक्स्ट क्या होगा, हमें हो गया दो चार आठ का टेबल है दोस्तों, दो का पहाड़ा बोला जा रहा है, कुछ नहीं है दोस्तों, दो का पहाड़ा बोला जा रहा है। जल्दी से देखिए, दो चार आठ क्या कर देंगे दोस्तों, आठ के बाद क्या करेंगे, दस कर देंगे, दस पता है आपको, जियो आने दोस्तों, दस का मतलब है तो जियो में दस भी आ रहा है और आपका लेटर भी,
अल्फाबेट भी आ गया और आपका दस भी आ गया। पहला लेटर, चलो अगले की तो एक लेटर निकालने से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्या के से स्टार्ट है, के से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर हुआ। दूसरा जेड, क्या बोल सकता नहीं डियर, जेड फाई, तो जेड से क्या आ गया फाई, ठीक पिछला है फाई के बाद क्या आता है एक्स, तो जेड से पहले क्या आता है फाई, फाई से पहले क्या आता है एक्स, एंड एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से पहले क्या होगा डी होता है दोस्तों, डब्ल्यू क्या होता है डी होता है, पहले क्या होगा डी होगा, इजी आ गया। जी छिपा रहता है जी, ऐसे ही तो लिखते अपन नहीं ऐसे, तो जी के अंदर तो साथ ऑलरेडी छिपा रहता है। अब ध्यान पांच है दोस्तों, पांच सात ऑड नंबर, पांच सात कितना कर देंगे नौ, सात के बाद नौ, आई नो क्या हो जाए दोस्तों, आई नो ए बी आई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलो आगे आंसर अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा अगला, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के आंसर, चार शब्द दिए, चौथा असंग, असंग ढूंढना, फ्रेंड ढूंढना है दोस्तों, अलग ढूंढना है, चौक मार्कर पुस्तक पेन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चौक मार्कर पुस्तक पेन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए चौक मार्कर पेन तीन काम आते लिखने के काम आते हैं, जब काम आती है पढ़ने के काम आती है, बिल्कुल लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, आंसर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक समूह अष्टभुज प्रत्येक कोने पर में बैठा है, सब राधा के आए हैं और गोविंद है, गोविंद चंद्र आए हैं, करिए आंसर दोस्तों। डियर फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करिए, आठ दोस्त अष्टभुज, आठ दोस्त, आठ दोस्त आठ दोस्त का हम देंगे, हम देंगे रास्ते में कहां से कुछ यहां से करना है तो यानी दाया और इस तरफ क्या होगा दोस्तों माया, क्या होगा माया हो आंसर कर, ठीक है दोस्तों बिल्कुल सिंपल, मेधा राधा के विकर्ण थे, मेधा कहां राधा के विपरीत, राधा के राधा को बिठा देते हैं अपन, राधा राधा को कहीं राधा के विकर्णते को तिरछे रूप, तो राधा के ठीक विकर्णते को हाँ के बाएं है, सीधा कहाँ है के
बाएं, मेधा कहां बैठी है, सीमा के बाएं। देखो मेधा सीमा के बाएं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है, क्या करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे ही आपको करना है। तो मेधा सीमा के बाएं है, मेधा सीमा के बाएं। अब सीमा के बाएं होगी तो बायां तो इस तरफ होता है, क्लॉकवाइज अपन चलेंगे, तो क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा या इधर, इधर लिखेंगे तभी तो मेधा सीमा के बाएं होगी, यहाँ क्या आ जाएगा। अब देखो सीमा के बाएं कौन है, मेधा है। आगे बोल रहा है रमन सीमा के ठीक बगल में, रमन कहां बैठा हुआ है, सीमा के बगल में। अब देखो सीमा ये रे इधर की तरफ हो नहीं सकता, तो इधर की तरफ कौन हो जाएगा, रमन हो जाएगा। रमन कहां हो गया, सीमा के ठीक बगल में, और गोविंद के विपरीत है, विपरीत यानी ठीक सामने, तो ये रमन के ठीक सामने कौन हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा। बिल्कुल गोविंद रमन के सामने होगा। गोविंद चंद्रा के दाएं है, चंद्रा के दाएं कौन बैठा हुआ है, गोविंद बैठा हुआ है, चंद्रा के दाएं गोविंद बैठा हुआ है। तो चंद्रा के दाएं ये चंद्रा हो गई, दाया इस तरफ कौन हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, चंद्रा के दाएं गोविंद है। शांति मेधा के दाएं नहीं है, शांति कहां नहीं है, मेधा के दाएं, मेधा के दाएं नहीं है तो भाई बाएं होगी, मेधा के दाएं नहीं है तो कहां होगी, बाएं होगी, तो मेधा के दाएं नहीं है, शांति कहां हो जाएगी, बाएं हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन शशि के विपरीत है, तो शशि कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, शशि के विपरीत है। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे, चंद्रा के विपरीत कौन है, चंद्रा के विपरीत, तो देखिए दोस्तों चंद्रा ये रे इसके विपरीत कौन है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, क्लियर हुआ दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे जैसे यहां बोला गया वैसे वैसे हमने बना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मुकेश सामने आंसर कर, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर करिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर दक्षिण दिशा की, इसके सामने दक्षिण दिशा है, यानी वो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, जिस तरफ देख रहा है उसे सामने वाली दिशा ही तो होगी, तो मुकेश सामने कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, मुकेश किस तरफ देख रहा है, दक्षिण दिशा, वह 5 किलोमीटर सीधे चला, ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा की तरफ कितना चला दोस्तों, 5 किलो, वह वहां से अपने दाईं ओर मुड़ा, अब नीचे से दाईं तरफ मुड़ेगा तो इस तरफ आएगा दोस्तों, कितना मुड़ा, 90 डिग्री, तो बिल्कुल 90 डिग्री कौन पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो ये 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कौन पर, ये थोड़ा सा समझने की बात है दोस्तों, बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर, तो बाएं 45 मुड़े, देखो दोस्तों सीधा जाता है तो 0 डिग्री, अगर इस तरफ अगर ये गया तो 90 डिग्री, ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री, लेकिन मुड़ कहां रहा, बाईं तरफ, और बायां कहां है, नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ मुड़ेगा तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, 40 कहां होगा, बीच में होगा, यानी 3 किलोमीटर। अब यहां आ गया तो अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए अपनी वास्तविक स्थिति में किस दिशा में होगा, तो यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये उसकी वास्तविक दिशा हो गई, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, अगर ये पश्चिम दिशा होगी आपकी, ये पूर्व है, ये दिशा है, तो ये कौन सी, दक्षिण पश्चिम हो गई दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम है दोस्तों, क्या आंसर आ गया आपका, दक्षिण पश्चिम, जो कि आपके दक्षिण पश्चिम दिशा ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्या के साथ वही संबंध देखना है आपको जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ, एग्जाम में तो आया हुआ है लेकिन एग्जाम में तो आया है लेकिन क्या है दोस्तों, 21 11, देखिए दोस्तों दूसरे का पहले के साथ, तो देखो 11 का डबल अगर अपन करते हैं 11 दूना 22 आ गया, 11 का डबल कर, तो 11 का डबल होता है 22 करेंगे आगे दो 21 से लाना है, का डबल करके एक कम, देखो ऑप्शन हमारे पास 15 का डबल 29, अगर 16 का आप डबल करते ऑप्शन हमारा राइट आंसर,
बिल्कुल सिंपल था। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 28, 8, 6, 63, 18, 9, 94 क्वेश्चन मार्क 13 लाना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? 28, 8, 6। देखिए दोस्तों बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। पहले नीचे वाली संख्या जो दे रखी है स्क्वायर कर लो, स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना है? 8। 8 कितना आ गया दोस्तों? तरह से लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो, क्या कर दो स्क्वायर कितना? 80। अगर घटा देंगे सेम इसी 13 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर माइनस यहाँ नहीं घटा, आप घटा दो 13 का स्क्वायर 19 हो जाएगा। आप यहाँ 5 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके आंसर करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम, जल्दी से आंसर करते हैं। आर का भाई तो पी आई है, आई को मैं भाई है, भाई है और आर का है, भाई है और आर का, ठीक है। क्या हो गए? ब्रदर है आगे, एस आर की, एस किस माँ है? आर की। भाई आर की माँ हो चाहे माँ हो चाहे वो बात तो एक ही है, तो यहाँ एस क्या हो गई? माँ, यानी हो गया पी, पी का पिता है। भाई पी का पिता हो, का पिता हो या आर का पिता हो, बात तो एक ही है। तो एस का क्या पिता है वो एस का क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा दोस्तों। आपका क्या क्या है? निम्न में कौन सा सत्य नहीं? निश्चित रूप से देखिए टी एस का पति, एस का पति टी, सही बात है दोस्तों, पति है। आगे देखेंगे टी क्यू का पिता है, पिता है क्यू का, टी क्यू का पिता है, एकदम सही है। ये इसकी माँ और ये पति है तो पिता ही हुआ। एस पी माँ है, एस माँ है पी की, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पी की माँ कौन है? एस है। चौथा टी क्यू का पति है, क्यू का पति नहीं भाई, क्यू का तो पिता है, ये बात एकदम गलत है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। वापस से सुनो, पहले डायग्राम बनाया फिर उनको देख, डायग्राम के अंदर हमने के मैंने कैंडिडेट वाला फीमेल और ऊपर की पीढ़ी में जा रहे तो दिया नीचे की पीढ़ी, भाई बहन के लिए मैंने उल्टा भी ड्रॉ किया, ब्रदर एंड सिस्टर, और सीधी लाइन को मैंने हस्बैंड बाय दोस्तों। क्वेश्चन विकल्प का चयन करें, नहीं बना, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं बन रहा है? तो देखिए दोस्तों पिछले और एक ऐसा कर चुके डी ए टी, दोस्तों डी ए प्रॉपर मिल रहा है, एच यू आर टी, एच ओ आर टी ये भी है, टी ओ ओ ओ ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आंसर हो जाएगा बिल्कुल एक क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पांच लड़की खेल खेल रही है, वे उत्तर की ओर मुख के पंक्ति में बैठी है, बिना पश्चिमी छोर बिना पूर्वी छोर। बहुत ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। लड़कियां कितनी है? 5। देर एक लाइन हो गई दोस्त, ये पश्चिमी छोर, पश्चिमी पर आगे पढ़ते हैं, यहाँ पश्चिमी पर बैठी है, यहाँ कौन बैठा है दोस्तों? बैठी, और आगे क्या बोल रहा है? टीना पूर्वी, कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? पूर्वी पर बैठी है। टीना और रीना एक दूसरे बगल में, टीना और रीना, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हाँ
और रीना बाद में हो, दोस्तों आगे पढ़े एक दूसरे के बगल में साथ बैठे। रीना लीना के बाई ओर है, लीना के बाई ओर कौन है? रीना। रीना कहा है? लीना के। अब देखो लीना अगर मैं यहाँ रखता हूं तो इधर बाया जगह नहीं है, तो लीना के बाई ओर कौन है? रीना। रीना यहाँ रहेगी तो इधर कौन हो जाएगा? रीना बगल में है और मीना के दाई ओर, मीना ये रहा इसके दाई ओर, तो लिख दीजिए दोस्तों यहाँ कौन आ जाएगा? बीना। तो कौन आ जाएगा? लीना। लास्ट कौन? रीना है उसका आंसर। पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो टीना पहला और ये दूसरा कौन हो जाएगा? रीना। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चार अक्षर इनमें से तीन अलग है, चुनिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एम एन ओ, देखो ए टी, आप समझिए पहला तीसरा दूसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, चल दीजिए पहला एफ एच एम का डिसन हुई ए बी सी एफ जी आई एल। यहां देखो एम एन, एन नहीं है ये, एन पहले दिया जाएगा हमारा, इसलिए आंसर है दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन त्रिभुजों एंगल्स यहाँ काउंट करने हैं, तो एक बेसिक कंसेप्ट है जिसकी सहायता से अपन एंगल्स काउंट करते हैं, जहां से आपको वन टू ऐड कर दे, ऐड कर देंगे, आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन। देखो ये बिल्कुल यहां से अगर जब मैं इधर वाले को देखता हूं, ये भी क्या है दोस्तों? वन तरह से आप इसको दस दस दस, एक आपको ऑल ओवर, ठीक है ये आपको, ठीक है दोस्तों एक आपको लास्टली दिखाई दे रहा है ये बिग ट्रायंगल, तो टोटल कितना हो गया? दस प्लस दस प्लस दस प्लस टोटल कितना हो गया? दस बीस बत्तीस, टोटल आपका आंसर कितना आ गया? बत्तीस। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है ये 97, 81, 89, 107। ध्यान दीजिए एक 97, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 97 से 101 किया प्लस 4 किया जा रहा है, और 101 से 107 किया प्लस 6 किया जा रहा है, 104 प्लस 4 किया प्लस 6 किया, नेक्स्ट क्या करेंगे? तो प्लस 8 कर देंगे, 4, 6, 8, तो साथ में 8 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, 81 ऐड करेंगे तो 89। भाई देखो पहले 4, 6, 8 दो दो बढ़ा के ऐड कर रहे हैं, तो तीन के बाद कितना ऐड करना चाहिए? दो बढ़ा के यानी 5 ऐड करना चाहिए, तो 89 में 5 ऐड करेंगे तो आपका 94 आ जाएगा। तो 94 115 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से बाईं ओर से 14। दोस्तों जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे कर लो, लेफ्ट एंड राइट सबको मालूम है। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन दो व्यक्ति है, एक दीप्ति और एक मोहन, दीप्ति और मोहन के स्थान दे रखे, ध्यान दे दोस्तों, एक तो दीप्ति का और एक मोहन का स्थान दे रखा है, दोनों के स्थान दे रखे है, क्या दे रखा है? क्रम से बाईं ओर से 14, पहले का पहला दीप्ति का कितना? बाएं से 14 आया, इधर से कितना? 14वां स्थान दीप्ति का, और दाईं ओर से 9वां किसका हो जाएगा? मोहन का, यानी इस साइड से मोहन कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। क्या बोल रहा है? आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, ये यहां चला जाता है, ये यहां आ जाता है, स्थान बदल लेते हैं,
तो दाईं ओर से मोहन 21वें स्थान पे, इस साइड से मोहन कौन से स्थान पे आ जाता है, 21वें स्थान पे। तो एक बात बताइए दोस्तों, कितना बढ़ा या घटा दोस्तों, कितना बढ़ा या घटा, पहले कहा था 9 था, अभी कहा हो गया 21, कितना बढ़ गया 12 प्लस हो गया दोस्तों, तो ये भी कितना प्लस होगा 12, 14 और 12 26, यानी इस साइड से दीप्ति का कौन सा स्थान हो गया 26। पूछा गया है अब बाईं ओर से दीप्ति का, तो बाईं ओर से दीप्ति का कौन सा हो गया 26 हो गया दोस्तों। और क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने, कुल निकालने के लिए एक जगह के दोनों स्थान जोड़ लेते हैं और एक घटा देते हैं, आप चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, 21 14 ऐड कर लो, 21 प्लस 14 35, एक अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34, 26 34 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में अवेलेबल। दीप्ति का बाईं ओर से स्थान 26वां और टोटल कितने हैं 34, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की, ये कथनों के निष्कर्ष पढ़े और आंसर्स करें, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कथन पढ़ के क्या बनाना होता है दोस्तों, डायग्राम बनाते हैं उसके बाद आंसर्स। देखो सभी गुलाब लाल हैं, गुलाब दोस्तों गुलाब कैसे लाल, सभी गुलाब लाल है, नेक्स्ट कुछ लाल रंग है, कुछ लाल क्या है रंग, ये लाल है क्या है रंग है, जितना बोला जाएगा उतना ड्रॉ करना है आपको, सभी रंग पेंट है, सबके सब रंग, देखो रंग की बात कर रहा है तो मैंने रंग को क्या बना दिया पेंट, अब मैंने सिर्फ रंग को वाले हिस्से को पेंट किया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये लाल वाला पोर्शन क्या हो गया पेंट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी क्या पूछा है, कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट है, कुछ लाल पेंट बिल्कुल कन्वर्ट हो गया, कुछ भाग आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, सभी लाल गुलाब है, सब लाल गुलाब, सब नहीं हो सकते दोस्तों, अगर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सब सही होता है और बाहर से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ सही होता है, तो यहां से ये सभी वाली बात क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी, पहला सही है दूसरा गलत है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है पालन करता है, सी का राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, पांच छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल, आस्था श्याम के बगल में बैठी और पाए सिर्फ, चलिए दोस्तों आंसर करिए, बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए, पांच छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है, सुनील न तो आस्था के और न ही श्याम के बगल में बैठा है, आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर है, आस्था किसकी बगल में बैठी है श्याम के और पंक्ति के कहां है बाएं सिरे पर है, बाएं सिरे पर कौन बैठा है आस्था, तो देखो दोस्तों ये क्लियर हुआ कि सबसे पहले कौन आएगा बाएं सिरे पर आस्था, तो ये यहां बाएं सिरे पर आ गई आस्था, पहले पहले आ गई बाएं सिरे पर आस्था, आस्था के बगल में कौन बैठा है श्याम, तो यहाँ कौन आ जाएगा आस्था के बगल, आगे बोला सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, सुनील कहाँ बैठा है बगल में, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, अब एक बात बताओ भाई टोटल व्यक्ति कितने पांच, तो बीच तो एक दो यही होगा, तीसरा कौन हो जाएगा मंजीत यहाँ आ जाएगा, और मंजीत बगल में कौन बैठा है दोस्त, सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, तो मंजीत बगल में कौन बैठा है सुनील, अब बच कौन गया दोस्तों, और बच गया जो हमारे आगे आने वाला है आस्था, न तो आस्था के ठीक है आस्था के साथ भी नहीं है और श्याम के साथ, आस्था श्याम के बगल में बैठी पंक्ति के बाएं सिरे पर, वह और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा, कौन मंजीत, मंजीत अमिता के बगल में नहीं है, तो लास्ट हमें कौन हो जाएगा अमिता हमारा यहाँ लास्ट हो जाएगा, अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों इनमें से कौन सुनील के बगल में है, सुनील के बगल में कौन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों सुनील के बगल में कौन है, तो सुनील के बगल में कौन है मंजीता और अमिता, मंजीत और अमिता, तो यहाँ देखेंगे आप मंजीत और अमिता किसके बगल में बैठे हैं नील के, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर है। तो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे पार्ट्स के अंदर वो आज हम सब ने सॉल्व कर लिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से थे वो सब हमने क्या कर लिए दोस्तों, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों,
है, अभी जो भी क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसा टेक्निकल है दोस्तों, तो अभी इसके कुछ करेंगे। कंटिन्यू करें इसे, हाजी बच्चों, मैं मोहित जैन, काम टेक्निकल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए बच्चों, ये आज आपका टेस्ट लगा था, ताकि आपको पता है कि हर वीक एक दिन आपका टेस्ट होता है रनिंग डे का, एक आपका संडे, दो टेस्ट आपके होते। आज जो आपका टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का सोल्यूशन आज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। रीजनिंग का टेस्ट का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, पूरे 25 का सोल्यूशन बताया है, और बाकी जो 25 क्वेश्चन के उसका सोल्यूशन आपको कराने वाला हूं। अब देखिए बच्चों, जिन्होंने टेस्ट दिया है, जो बच्चे टेस्ट देने आए थे के पास तो पेपर है, लेकिन जो बच्चे टेस्ट देने नहीं आए तो वो टेलीग्राम चैनल से, वो आप टेलीग्राम चैनल करें टेस्ट की, तो आज टेस्ट लगा था बेटा। ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल आपका लोको पायलट पे जो और मेंस का लेवल आएगा उस लेवल पर आया हुआ पेपर है। इसका जरूर आप पेपर का सॉल्यूशन देखें, आप अपने आंसर की चेक करें कि भाई फर्क के तो गलत है और हमें सवाल कैसे करने हैं। स्टार्ट करते हैं, आपका सवाल है 5 अंक वह सबसे छोटी संख्या कौन है। पहले तो मैं बता दूं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बेटा 10,000। कौन होती है 5 अंकों की होती है बेटा 10,000। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोला है, 7 से विभाजित करने पर 6 से इस पल बचे, से इस बचना चाहिए 6 से। ठीक है, तो आपको वो संख्या बतानी कौन सी है। अब देखिए, आपको मैंने बताया 5 अंकों की सबसे 10,000 होती है, लेकिन यहाँ 10,000 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर है 10,009, यहाँ है 10,003, यहाँ पर है 10,002, यहाँ पर है 10,007। तो आप देखेंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी यहां पर दिख रही है ऑप्शन में आपको दिख रही है 10,002, नहीं दिख रही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 10,002 में 7 का भाग देकर चेक करेंगे, 7 का भाग दीजिए और चेक कीजिए कि क्या शेषफल 6 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये हमारा सवाल का आंसर है, और नहीं आ रहा है तो हम दूसरा आगे चेक करेंगे। चेक करते हैं तो 7 एकम 7 कितना बच गया बेटा, 3 बच गए, 20 हो गए, 24 28 बच गए, 2 20 हो गए, 7 दूनी 14 तो कितना बचा, 6 बच गया, 62 हो गए, 7 8 56 तो शेषफल कितना बचा लास्ट में, 6 बच गया। और आपसे यही तो पूछा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो ये इस सवाल का हमारा आंसर, सवाल का आंसर कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन। डायरेक्टली ऑप्शन से कर दीजिए, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा आप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हजार होती है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 99,900। राइट, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें, अगला सवाल है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, वाई और जेड इस काम को 18 दिन में करते हैं, और एक्स और जेड उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को लगभग कितने दिनों में कर देंगे, या फिर पूरा काम होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है
देखिए आप बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है, एक्स और वाई किसी कार्य को कितने करते हैं 12 दिन में, और वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, वाई और जेड कर रहे हैं आपके 18 दिन में, और आपसे बोला है जेड और एक्स कितने दिन में कर रहे हैं, जेड और एक्स, अगर जेड और एक्स का पूछे कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। सबसे पहला हमारा काम होगा बेटा इन तीनों का लघुत्तम लेना, क्या लेना बेटा, लघुत्तम लेना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कई बच्चों से छिपता है, ठीक है, लघुत्तम कैसे लेते हैं जल्दी, 12, 18 और 15 इसका लघुत्तम लेना है हमें। देखिए सबसे पहले आप इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा 3, 15 क्या बचा 4, क्या बचा आपका 6, क्या बचा आपका कितना बचा 5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 2, तो हो जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5। अब आपको क्या करना है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इनको गुना कर दें, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 ऐसे गुना करेंगे तो आपका जो लघुत्तम आएगा वो 180 आएगा, इसका मतलब आपका कार्य जो होगा वो 100। अब 12 का भाग 180 पड़ जाएगा 15 बार, 18 का भाग देंगे तो पड़ जाएगा 10 बार, और 15 का भाग देंगे तो पड़ जाएगा 12 बार, सही है। अब इन सभी ये क्या आ गई आपकी क्षमता आ गई, आपकी आ गई है। अब इन तीन जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे इनका टोटल होगा बेटा 37, कितना होगा बेटा 37। अब मैं अगर यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x, वाई और वाई हो जाएंगे 2y, और जेड हो जाएंगे 2z। तो इसका मतलब है 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनकी क्षमता कितनी आई 37। अब क्या करना है, हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इस 2 का भाग दे देंगे 37 में, तो अगर मैं बोलूं x, y और z की क्षमता कितनी आएगी, तो आप कहोगे इन तीनों की क्षमता आएगी 37/2, कितनी आएगी बेटा 37/2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पूरा काम कितना है बेटा 100 है, और क्षमता कितनी है तीनों की 37/2। बेटा आपको पता है 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 360/37। अब 360 में जब आप 37 का भाग दोगे तो 37 ढाई के 370 होते हैं, और यहाँ पर हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना था बेटा लगभग, तो यहाँ लगभग आपका जो भाग जाएगा वो 10 बार जाएगा, कितना जाएगा लगभग 10, तो आपका आंसर आएगा बेटा इसमें 10 दिन आएगा बेटा 10 दिन आएगा 10 दिन। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो मैं अलग से बता देता हूँ, देखिए एक्स प्लस वाई काम को 12 दिन में कर रहे हैं, y प्लस जेड किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और जेड प्लस एक्स उसी काम को आपका 18 दिन में कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने करेंगे, तो आप क्या करेंगे, तीनों का लघुत्तम लिया 180 आया, 12 का भाग देंगे तो 15, 15 का देंगे तो 12, और 18 का देंगे तो 10, तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी आ जाएगी 37 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 37। यहाँ पर ये सब डबल डबल हो जाएंगे, देखो एक्स वाई जेड जेड कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है भाई। अब आगे क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का निकाल लेते हैं, तो 2 का भाग दे देते हैं तो 37/2, ये बेटा आई इनकी क्षमता, अभी क्षमता आई है तीनों की, पूरा काम 180 है, 180 में 37/2 का क्या दे देंगे भाग। अब 2 कहां चला जाएगा बेटा ऊपर, 360 आ जाएगा, 360/37, अब 37 का भाग लगभग 360 में कितनी बार जाएगा, मैं पूछू लगभग, तो लगभग कितनी पड़ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि 37 जाएंगे 370 होते हैं, 370 है, आपसे आंसर जो पूछा है वो लगभग पूछा है, ठीक है, प्रॉपर लगभग पूछा है आपसे, प्रॉपर आंसर नहीं पूछा। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, अब देखिए बेटा अगला सवाल बहुत बढ़िया है, आपको साइन थीटा का मान दे रखा है 3/√34/√34, और कॉस थीटा का मान दे रखा है आपको 5/√34, और आपसे पूछा है 1+tan थीटा और 1-cot थीटा का मान बताएं, तो बहुत इजी सवाल है बेटा। जैसे आपको टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा होता है बेटा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सभी बच्चे जानते होंगे ये बात, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
कुमार सैनी सर, डेली प्रीवियस ईयर की क्लास इसी टाइम लगती है क्या? बेटा क्लास की बात ऐसी है, आपकी वो रेगुलर क्लास 15 तारीख से रेगुलर रहेगी, 15 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। लेकिन अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस, आज पेपर लगा है, तो पेपर लगा है, उस पेपर का मैं आपको करा रहा हूँ। और ये पेपर आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से? आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, देखिए बेटा आपके सामने लिखा हुआ है tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो बेटा साइन थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान है 3/√34, यही है मान। और कॉस थीटा का मान बताओ, तो कॉस थीटा का मान है 5/√। अब इनको क्या कर देंगे बेटा हम, देखिए आप दिख रहा है √34 से √34 कट गया, तो मुझे बताओ टेन थीटा का मान कितना आया? तो टेन थीटा का मान आया 3/5। अब टेन थीटा 3/5 आ गया, तो आप सभी अगर जानते हैं तो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का उल्टा होता है। उल्टा कर दीजिए, इसका मान आ जाएगा 5/3। अब हमारे पास टेन थीटा का भी मान आ चुका है और कॉट थीटा का भी मान आ चुका है, दोनों को उठा के इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। देखिए 1+tan थीटा बताओ, तो टेन थीटा का मान कितना है बेटा? 3/5, सही है। और कॉट थीटा का मान बताओ, तो कॉट थीटा का मान है 5/3। अब इसको आप आराम से गुना भाग करें, आराम से तसल्ली से करें, जल्दबाजी नहीं करें। 5 × 5, 5 और 3 8, 8/5 बटे 3 × 3 में से -5 गए तो -2/3। अब बेटा क्या होगा, 3 कहां चला जाएगा आपका? ऊपर, 3 आपका ऊपर चला जाएगा और 5 कहां जाएगा बेटा? नीचे। तो 3 ऊपर जाएगा तो 8 × 3 क्या हो जाएगा? 24, और नीचे हो जाएगा 5 × 2 = 10, -10। अब इसको 2 से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा -5, तो -12/5। तो हमारे सब सवाल का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बेटा बी, -12/5। लाइक एंड शेयर करते रहें सेशन को, लाइक एंड शेयर करें सभी, ठीक है? ठीक है, आपको पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है सभी बच्चे। अगर जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज लेनी है, तो वो जयपुर टॉक फाटक शाम टेक्निकल क्लासेज गली नंबर 1 पर आए। और नया बैच आपका 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं क्लास से, को पता है वो अपने रिलेटिव दोस्त जो भी हैं आपके कांटेक्ट में, उन सबको इन्फॉर्म कर दें कि 22 फरवरी से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पेपर लगेंगे, हर वीक में पेपर लगता है, सभी को पता है, एक संडे को एक रनिंग डे में, ठीक है। तो 2 पेपर लगते हैं और दोनों पेपर के कराए जाएंगे कंटिन्यू, ओके। और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, जैसे जो रेलवे एनटीपीसी में आए हैं सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपकी क्लास रेगुलर रहेगी 15 तारीख से मैथ की। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए आपका, नेक्स्ट सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। एक परीक्षा है उसमें अगर आपको पास होना है तो 50% नंबर आने जरूरी है आपके, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपके इसमें 2 पेपर लगे, पेपर लगे बेटा 2। अब एक पेपर तो कितने का है? 200 नंबर का है। तो 200 नंबर के पेपर में एक छात्र ने 2 नंबर के पेपर में 40% प्राप्त किए, जबकि दूसरा उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे पेपर में उसे कितने न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक लाना जरूरी है? सवाल क्या कह रहा है मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए आपके 2 पेपर लग रहे हैं, पेपर लग रहे हैं 2, एक पेपर नंबर का है और दूसरा पेपर 150 नंबर का है। अब पहले पेपर में तो आपको 40% है, अब दूसरे पेपर में मैं कितने नंबर लाऊं, परसेंट लाऊं, ताकि पूरे में 50% पर आ जाए, क्यों आ जाए 50%? पास होने के 50%। अब ये सवाल कैसे करेंगे, इधर देखिए, देखिए पहला पेपर है और एक दूसरा पेपर, और ये कंबाइंड है, दोनों का मिलाकर है पूर्ण का मिलाकर। अब पहला पेपर है वो कितने नंबर का है? 200 नंबर का है, और दूसरा पेपर कितने नंबर का है? 150 नंबर। अब पहले पेपर, अच्छा ये 200 नंबर का है, ये 150 नंबर का है, तो टोटल कितने का हो गया? 350। सही है। अब आपको 350 में से कितने नंबर चाहिए पास होने के? 50%। अब पहले पेपर में आपके कितने नंबर आए? 40% आए, तो दूसरे में कितने आने चाहिए? तो मैंने क्या मान लिया? एक्स आने, राइट। अब इसको हम तरीके से जमाएंगे, जमाएंगे कैसे? इधर देखिए,
देखो पहले इनको काट के छोटा कर लो, काट के छोटा करो, बोलो जीरो कट गए। अब आगे देखिए क्या काटना है, अब आपको इसको दो से, इसको पांच से काटना है, पांच चौके बीस, पांच तीया पंद्रह और पांच सात पैंतीस, इसको गुना करें, चार चौक सोलह, एक सौ साठ प्लस तीन गुना एक्स, एक्स बराबर सात पंजे पैंतीस। अब कई बच्चे कहेंगे सर इनको जोड़ा क्यों, ये पहले पेपर के नंबर हैं, ये दूसरे पेपर के नंबर हैं और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कौन से पेपर के, पेपर के और सॉरी पूरे कंबाइंड के पेपर के बराबर हो जाएंगे, राइट। आप देखिए 160 को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 350 में से 160 गए तो आपके बचे हैं। अब x का मान कितना आएगा, 190 में का भाग दे देंगे, 3 का भाग दीजिए, 3 छक्की 18, 10 बच गए, 3 तिया 9, तो 63.33% आपका आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, कैलकुलेशन बात नहीं है, 63.33। अब 63.33% आपका आ गया है। अब 63.33 देखिए कहीं भी ऑप्शन में नहीं रहा है, लेकिन आपको एक ऑप्शन मिल रहा है 64%, ठीक है, दिख रहा है सभी को 64%, तो इस सवाल का आंसर 64% का, ये भी लगभग आंसर है, ठीक है। कैसा आंसर है बेटा, लगभग आंसर है, ऑप्शन में 63 होता, 63.33 होता तो हम 63.33 लगाते, नहीं है तो 63 के नजदीक जो आंसर है, तो नजदीक आंसर 64 ही है, तो 64% का आंसर लगाएंगे। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बेटा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर 6, है ना, और आपको दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 25, फिर आपको दिया हुआ है a प्लस b बराबर 5 दिया है, और आपसे मान पूछा है इसका a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखें आप आराम से, पहले आप a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी का ये होता है बेटा ए माइनस बी, अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर में कितना है बेटा, ये 625 सही है। अब देखिए का भी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कितना है बेटा आपका 25। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो दे रखो ए प्लस बी का मान हमें दे रखा है कितना है 5, यहां पर मैं 5 रख दू, 5 गुना ए माइनस बराबर में 25, अब इसको 5 से 25 को काटो, ए माइनस बी का मान कितना आ गया बेटा 5 आ गया, कितना आ गया बेटा 5 आ गया, ए माइनस बी बराबर क्या आ गया बेटा 5 आ गया, सही है, a माइनस बी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब इस 5 को उठा के इसमें रख दीजिए, a माइनस बी का मान कितना आया बेटा 5 आया, यहां रखिए 5, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में 625। अब देखिए बोलो 5 एकम 5 एकम 5 और 5 से कट जाएगा ये 125 बार, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आया, 125 आ गया, सवाल का आंसर क्या होगा बी, राइट, इस सवाल का आंसर क्या होगा बी होगा, इसी का मान पूछा ना आपसे, और इसका मान कितना निकाला हमने 125 में, ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताते रहें। नेक्स्ट सवाल देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 155 60 और 315 को जब विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 10 और 15 बचे। अब ये सवाल क्या कह रहा है, पहले हम सवाल की लैंग्वेज को समझेंगे फिर हम सवाल को करेंगे। आपके सामने तीन संख्याएं दे रखी हैं, आपके सामने बेटा तीन संख्याएं दे रखी हैं, वो तो तीन संख्या क्या क्या है पढ़ के बताओ, तीन संख्या कौन कौन सी हैं? आपको दे रखी है 155, एक आपका 260 और 30 की आपकी दे रखी है 315, है ना, ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं में हमने संख्या का भाग दिया, ये तीन संख्याएं हैं, इसमें हमने क्या करा, इन तीनों में हमने किसी एक संख्या का भाग दिया, वो हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, वही तो निकालनी है, तो कोई संख्या का जब हमने इन तीनों में भाग दिया तो शेषफल क्या क्या आया बताओ, शेषफल क्या क्या आया, तो शेषफल आया 5 10 15। इसका मतलब है कि वो जो संख्या है वो हमें पता नहीं है कौन सी है, उस संख्या का भाग जब मैंने इसमें दिया तो शेषफल कितना आया 5 आया, इसका मतलब है अगर इस शेषफल को मैं माइनस कर दूं तो उस संख्या में आप पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा, इसका मतलब है अगर मैं शेषफल को हटा दूं तो उसमें पूरा पूरा क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। अब देखिए इस चीज को समझते कैसे वो भी समझे आप,
जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक संख्या 27 है, संख्या क्या है 27, मैं इसमें 7 का भाग दूं, मान लीजिए सोचो 7 का भाग दूं, तो 7 का जब मैं भाग दूंगा तो कितना शेष फल बचेगा, तो आप कहोगे सर 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, राइट। एक संख्या 27 है उसमें अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितना शेष फल बचेगा 6 बचेगा, बिल्कुल। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बोलो क्या बचा 21, तो 21 में बोलो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, यदि मैंने उस संख्या में से शेषफल को हटा दिया है तो अब जो उत्तर आया है उसमें उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए 260 में से भी 10 घटा दीजिए तो बोलो क्या आएगा, 260 में से हम 10 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए 250, ठीक है। और ऐसे इसमें से इसको घटा दीजिए बोलो क्या आएगा 300। अब इसका मतलब है अब वो जो संख्या है, जो संख्या है उसका भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और वो संख्या क्या होनी चाहिए बड़ी से बड़ी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब इनका ले लेंगे मैसे, इनका ले लेंगे मैसे SCF, ठीक है। तो अब इन तीनों में बताओ किसका भाग जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या का, तो इन तीनों में किसका भाग जा रहा है बताइए तीनों में, तो आप कहोगे सर 50 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 50 का, तो बताओ आंसर क्या आएगा 50। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बेटा 50 होगी, ओके। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, नहीं समझोगे तो आपको हमेशा दिक्कतें आएंगी, कोई रटने नहीं होते कि आप ऐसा करो ऐसा करो, हर चीज का रीजन होता है, कैसे लैंग्वेज में सब कुछ लिखा होता है, लैंग्वेज को पढ़े समझे। दोबारा सुन लो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसका भाग इसमें दूं, इसमें दूं, इसमें दूं, तो यहां तो शेषफल 5 बचेगा, यहां 10 बचेगा, यहां 15 बचेगा, तो पहले क्या करेंगे हम शेषफल को माइनस कर देंगे, कर दिया माइनस, अब ये तीनों संख्या आ गई, अब ये तीनों संख्याओं में उस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब आप सोच के देखो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जिसमें तीनों का क्या जा रहा हो भाग, तीनों में भाग जा रहा हो, तो तीनों में किसका भाग जा रहा है 50 का भाग, 50 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 50 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 50 होगी। बस हमारा नेक्स्ट सवाल देखेंगे बेटा, नेक्स्ट सवाल देखिए, एक क्लब में महिलाओं की संख्या और का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है, महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वो पुरुष की संख्या से अनुपात कितना है 3:2, इसका मतलब है महिला, क्या लिखूंगा मैं पुरुष, महिला का और पुरुष का अनुपात है 3:2 है, ठीक है 3:2 है। अब बोला हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, कितनी महिलाएं शामिल हुई 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई, मतलब इसमें 300 महिलाएं और आ गई, तो 300 महिलाएं क्या हो गई बेटा प्लस हो गई, प्लस हो गई 300 महिलाएं, अब महिलाएं प्लस हो गई तो अनुपात क्या हो गया बताओ 5:2 हो गया। अब अनुपात बदल जाएगा ना, क्योंकि केवल क्या बढ़ी है महिलाएं बढ़ी हैं, तो महिलाएं बढ़ी हैं तो अनुपात भी बदल जाएगा, कितना अनुपात हो जाएगा 5:2। अब आपको इसमें पूछा है तो आप बताओ महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, अब पूछा है, अब मतलब बाद वाली पूछे कि अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी। अब देखिए ये सवाल आप कैसे करेंगे, तो बहुत आराम से इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप एक बार बताओ ये पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक है, अब आप अलग से क्या आई है, महिलाएं तो आई है, अलग से अपने महिलाओं को ही तो जोड़ा है, इसका मतलब है पुरुष बराबर होगी, यहाँ पर देखिए पुरुषों की बराबर है या नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ महिलाएं कितनी बड़ी, पहले महिलाएं 3 थी अब 5 हो गई, तो कितनी बड़ी, तो आप कहोगे सर 2 बड़ी, और वैसे कितनी बड़ी हैं, तो आप कहोगे सर 300 बड़ी हैं, तो 2 = 300 = 1 = 150। अब आपसे पहले वाली महिलाएं पूछी है बाद वाली पूछी है, आप कहोगे सर अब वाली पूछी है, तो अब वाली कौन सी होगी 5 किसके बराबर हो जाएगा 750, महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 750। बहुत इजी सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था बेटा। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मैसे और लैसे क्रमशः 12 और 72 हैं, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उनका योग बताओ। तो आप दो मिनट के लिए सोच लो, दो मिनट के लिए सोच लो कि वो संख्या एक्स और वाई है, क्या है एक्स और वाई, अब इनके हमें व्युत्क्रम का योग बताना है, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो इसका उल्टा बताओ क्या होगा 1/x और इसका उल्टा क्या होगा 1/y, और दोनों का क्या बताना हमें योग। अब दो का योग करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लो, लो क्या आएगा एक्स वाई, एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा वाई बचेगा, और वाई से वाई कट जाएगा तो क्या आएगा एक्स आएगा, इसका मतलब है ऊपर तो उन संख्याओं का योग आएगा और नीचे उन संख्याओं का गुणा आएगा,
अब ऊपर संख्याओं का योग आएगा तो उन संख्याओं का योग क्या है 60, तो ऊपर तो 60 आ जाएगा। अब नीचे चाहिए गुणा, अब गुणा कहां से लाएं? अब आपने एक नियम पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। अगर आपने लघुत्तम और महत्तम पढ़ा है, LCM और HCF पढ़ा है, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। तो मुझे बताओ पहली संख्या क्या है? X है। दूसरी संख्या क्या है? Y है। और इनका गुणा किसके बराबर होगा? LCM गुणा HCF। LCM कितना है जल्दी बताओ प्यारे बच्चों? LCM है आपका 72 और HCF कितना है? 12। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणा भी आ चुका नहीं आ चुका, तो कितना आया? 72 गुणा में 12। अब यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो मुझे बताओ एक्स गुणा वाई कितना है? तो एक्स गुणा वाई है बेटा 72 और वाई का मान कितना है? अच्छा एक्स गुणा वाई क्या है? 72 गुणा 12, राइट। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो आपका आंसर आ गया बेटा 5/72। आंसर कौन सा आएगा? 5/72, 5/72, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है? आपको एक सरलीकरण का सवाल पूछा है, बहुत सिंपल सवाल है। अब आपको देखे कई बच्चे इसको काटने में पीटने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इसी तरीका बता रहा हूं। तरीका आप देखिए, देखिए अंडर रूट है ये, और अंडर रूट में लिख रहा है 54 गुणा 125, एक साथ कर दिया, और नीचे भी अंडर रूट लग रहा है, और नीचे लिखा है 24 गुणा 45, बस इनको काटना पीटना है और आंसर निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है, तो आपने ये आराम से कर भी लिया होगा, बहुत सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, लगभग सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। देखिए आप काटेंगे आराम से, देखिए 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, सही है क्या भाई? आगे देखिए 5 से कट गया 25, कट गया ना 25, अब और काटिए 3 2 6 और 3 8 24, सही है क्या भाई? और काटो, तो 2 से कट गया कितनी बार? ये 4 बार, सही है। अब अंडर रूट में क्या बचा? ऊपर तो बचा अंडर रूट में 25, और नीचे अंडर रूट में क्या बचा बेटा? 4। 25 का अंडर रूट 5 होता है, 4 का अंडर 2 होता है, 5 में 2 का भाग दे देंगे, 2.5 आपका आंसर आ जाएगा, 2.5 आपका आंसर है ऑप्शन आपका सी, 2.5 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बहुत सिंपल है, केवल कैलकुलेशन थी सवाल के अंदर, ठीक है। अब देखिए बेटा आपका जो पेपर बनाया जाता है वो सब लेवल पे बनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, कुछ होते हैं, और आपका पेपर में ऐसा ही आता है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने तो तैयारी नहीं करी, फिर भी मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, क्योंकि पेपर का जो लेवल बनता है वो इजी भी बनता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन लेवल के होते हैं, और जो लेवल के होते हैं वो वही कर पाता है जिसने वास्तव में पढ़ाई करी हो, जिसने 5-6 महीने आराम से तैयारी करी हो, है ना। और अभी देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से लगे होते हैं। तो आपने ऐसा सुना भी होगा कि जब घर में आग लग जाए तो कुआ कई लोग तो तभी खोदते हैं, कई पहले से खोद के रखते हैं, तो पहले से खोद के रखते हैं वो ज्यादा सक्सेस, ठीक है। तो आपको भी सक्सेस करना है तो तैयारी अभी से चालू कर दो, वैकेंसी का वेट ना करें, वैकेंसी आती रहेंगी आपको, तो सीधा बस आप तो ये वेट करो जैसे ही पेपर लगा हमें तो बस देना है, हमारी तैयारी पूरी। आगे देखें, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। एक वस्तु का लागत मूल्य होता है बेटा क्रय मूल्य। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है बताना? तो आप कहोगे सर अंकित मूल्य का 75%, अंकित मूल्य का 75%, सही लिखा ना 75%। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य का 75%। अब एक काम कीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100। अब देखिए एक काम करो, अंकित मूल्य गुणा में यहां जाके भाग में आ जाएगा, क्रय मूल्य बटे में क्या आ जाएगा बेटा? अंकित, ठीक है। अब बराबर में क्या है बताओ? 3/4। इसका मतलब क्या है? आपका जो क्रय मूल्य है, आपका जो क्रय मूल्य है वो है और अंकित मूल्य 4 है, कितना आ गया? 4, राइट। अब आगे उसने क्या बोला है? यदि 15% की छूट दी जाए
तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अब बेटा हमने छूट कितने की दी है जल्दी से बताओ। तो छूट हमने दी है कितने परसेंट की दी है, 15% की छूट है। तो हमने सामान कितने में बेचा होगा, तो आप कहोगे सर 85। 15% की हमने छूट दी है, तो छूट हमेशा जो दी जाती है वो दी जाती है प्यारे बच्चों अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है इसका, अंकित मूल्य बेटा 4 है। कितना है, 4 है। और 4 पर हमने 15% दे दी है, तो हमने कितने माल बेचा होगा, 85% में माल बेचा होगा। अब करते हैं इसको गुणा भाग, थोड़ी गुणा भाग गया ठीक है। 5 से कट गया 17, 5 से कट गया आपका 20 ठीक है। फिर 2 दुनी 4 और 2 से कट गया 10, 17 दुनी 34, 34 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 3.4। इसका मतलब क्या है कि आपने अंकित मूल्य तो 4 रुपए था, जब आपने उसको दे दी तो उसने कितने में बेचा, 3.4 रुपए में बेचा। और हमने खरीदा कितने में था, तो 3 रुपए में खरीदा था। हमने कोई चीज की है और 3.4 में बेच दी है, तो बताओ हमें लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगी। लाभ होगा। अब मैं पूछ कितने परसेंट का लाभ होगा, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। तो लाभ कैसे निकालेंगे, बोले कितने का लाभ हुआ, 3 में खरीदी 3.4 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 0.4 का। 0.4 का लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। हमें क्या कर देंगे 100। अब इसको तब आप गुना करोगे, 100 को 4 से गुना, तो 0.4 से गुना करो तो 40, 40/3 होता है आपका 13.13। गुना भाग है वो आप अपने बैरवा बी, बिल्कुल आंसर सही है आपका 13.33, सही आंसर है, बहुत अच्छे, वेल डन। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहें बेटा, लाइक एंड शेयर करते रहें। आगे देखेंगे बेटा अगला सवाल, अगला सवाल हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है हरीश के मासिक 45,000 रुपए, मासिक वेतन कितना है इसका, 45,000 है। यहाँ पर वेतन मानने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी वेतन दे रखा है 45,000। 1/3 शिक्षा पर खर्च कर दिया, 1/3 खर्च कर दिया शिक्षा पर, और 2/6 भोजन पर। बेटा ये 2/6 है, और 2/6 को जब आप काटोगे तो ये भी 1/3 है। 1/3 आपने भोजन पर खर्च कर दिया, 1/3 आपने शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, तो आपके पास बचा भी कितना, 1/3 ही तो बचेगा। और वैसे बचत है ना, 1/3 ही तो बचेगा, तो आप बताइए किसका 1/3 बचेगा, तो आपकी टोटल वेतन का। तो वेतन कितना होगा, 45,000। तो 45,000 का 1/3 आपका बच गया, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 15,000। तो 15,000 रुपए आपकी क्या होगी बेटा, बचत होगी। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत इजी काम है, बहुत इजी गया था भाई। 1/3 आपने शिक्षा पर खर्च कर दिया, 1/3 आपने भोजन पर खर्च कर दिया, 2/3 आप खर्च कर चुके हो, बचा कितना आपका, 1/3 ही बचा। अब वो कितने का, 45,000 का 1/3 कितना, 15,000 रुपए की। बहुत सीधा सवाल पूछा था ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया एग्जाम का लेवल सब तरीके का बनाया जाता है, इजी भी हार्ड भी, सब तरीके का, सब टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। आगे देखिए 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आपको साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज ऐसा ही कितना दे रखा है, आप कहोगे सर 680 रुपए रखा है। अब बताओ साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। बेटा मूलधन कितना है, तो मूलधन है आपका 3400। समय कितना है, तो आप कहोगे 4 वर्ष। दर कितनी है, आर, दर हमें देनी रखी है, आर मानेंगे, और बटे में क्या है बेटा 100। बराबर में कितना है, 680। अब आराम से हम काटेंगे देंगे और आंसर निकालेंगे। अब बेटा 2 जीरो से कट गए, 2 जीरो ठीक है, 2 जीरो से तो आपकी कट गए 2 जीरो। अब देखिए आगे, देखिए 17 दुनी 34, 17 चौक 68, 40 आ गया। आगे देखिए 4 दुनी 8, 4 दुनी 8 और 8 पंजे 40, दर आ गई आपकी 5%। आपका आंसर 5% आएगा, इसका मतलब आंसर आपका 5%। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सवाल था, एक ही बार में आ गया, एक बार में आप। आगे देखिए एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से दुगनी है, एक आयत है तो लंबाई है उसकी चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। तो देखिए ये आयत है आपके सामने, सर देखना सभी बच्चे, ये आयत है, इसकी जो लंबाई है बेटा, ये लंबाई होती है, तो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है।
तो मैंने चौड़ाई एक्स मान ली तो इसकी लंबाई हो जाएगी दो एक्स, डबल हो जाएगी ना, चौड़ाई मैंने एक्स मानी है तो लंबाई हो जाएगी डबल एक्स। अब देखो ये दो एक्स है तो ये भी क्या होगी आपकी दो एक्स होगी, ये एक्स है तो ये भी क्या होगी एक्स होगी। अब परिमाप क्या होता है, अब कई बच्चे पढ़ते हैं कि परिमाप ही नहीं पता बच्चों को, इनको फॉर्मूले रटते हैं, फॉर्मूले नहीं रटना। तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है बेटा चारों भुजाओं का योग। तो करो 2x और 2x कितने हो गए 4x, 5x और 6x, तो परिमाप हो गया 6x। और परिमाप है कितना तो आप कहोगे सर 48 है, तो मुझे बताओ x का मान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगा x का मान। तो बेटा यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ गई 8 और लंबाई पूछू तो 8 × 16, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 16 है, चौड़ाई कितनी है 8 है, तो 16 को जब 8 से गुना करेंगे तो 16 अट्ठे होते हैं कितने होते हैं 128, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर है। देखिए बेटा परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, आप रटते हो फॉर्मूले कि आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई 2 × लंबाई + चौड़ाई, नहीं पढ़ना, चारों भुजाओं का योग। ठीक है पिंटू बिल्कुल सही, आपने पिछले सवाल का आंसर 5 बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अगला सवाल, अब देखिए बेटा ये जो सवाल है ये शायद बहुत कम स्टूडेंट ने इसको हल किया था मैंने देखा, और जबकि इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिल्कुल हलवा की तरह आपको मैं करा दूंगा, बिल्कुल आपको इसके बाद इजी लगेगा, और एडवांस में था आपको बिल्कुल इजी लगेगी। ठीक है तो आप देखिए एक्स बटे दो प्लस दो बटे वाई बराबर में यही है, फिर लिख रहा है बेटा वाई बटे प्लस दो बटे जेड बराबर में, फिर लिख रहा है बेटा जेड बटे दो प्लस दो बटे एक्स का मान हमें निकालना है, इनका मान हमें चाहिए, इनका मान हमें है ना। अब देखिए कैसे करेंगे आप, तरीका देखना बिल्कुल मजा आएगा आपको एडवांस मैथ का, फिर क्या हो गया सर, हाँ एडवांस मैथ तो जरूर पढ़नी है आपसे। देखिए आप देखिए, ठीक है बेटा x का मान आप सबसे पहले 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, आप x का मान 1 रख दीजिए, मैं नहीं कह रहा 1 ही रखना है ही रखिए, लेकिन बस एक ही चीज का ध्यान रखना है बटे में 0 नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जा बटे में 0 नहीं आनी चाहिए। और इस सवाल को आप देखिए कैसे करते हैं, x का मान 1 रखा, अब देखो जब मैंने x का मान 1 रखा तो क्या क्या चमत्कार हुआ इस सवाल में, यहाँ x का मान 1 है, यहाँ 1/2 प्लस 2/y बराबर 1, अब इस आधा है ना, ये 1/2 क्या होता है आधा, आधा वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1 में से आधा गया तो क्या बचा बेटा आधा बचा, अभी आधा बचेगा यहाँ आ जाएगा 2/y। ठीक है अब देखिए इसको कौन सा गुणा कर दो, ब्रज गुणा, वाई एकम वाई दो दूनी 4, तो वाई बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, कितना आ गया बेटा वाई बराबर 4। सर देख लीजिए दोबारा से, ये 1 है यहाँ पर, यहाँ पर है आधा, आधा वहां जाएगा तो माइनस का होगा, एक में से आधा गया तो क्या बचा आधा बचा, और ये 2/y का 2/y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसको, इसको 4 वाई एकम वाई, वाई का मान 4 आ गया। अब बेटा यहाँ वाई का मान 4 रखो, तो वाई का मान 4/2 प्लस 2/z बराबर 1, मुझे बताओ 4/2 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, बस 2 को उधर भेज दीजिए, उधर भेजेंगे तो 2/z बराबर 1 माइनस का 2, अब 1 में से 2 गया तो क्या बचा, इधर देखिए बच्चों है ना ऊपर लिखता हूं मैं जगह नहीं है, 1 में से 2/z क्या जेड है, 1 में से 2 गया तो क्या बचा माइनस, तो बटे में 1 कौन सा गुणा कर दो प्लस गुणा, तो जेड का मान क्या आ जाएगा बेटा माइनस आ जाएगा बेटा माइनस, आगे जेड का मान माइनस 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वाई अपने एक्स का मान 1 माना तो वाई का मान 4 आ गया, जेड का मान माइनस 2 आ गया, अब इन मानों को उठा के इसमें रख दीजिए आपका आ जाएगा, तो बताइए जेड का मान कितना है माइनस 2 बटे में प्लस 2, एक्स का मान बोलो 1, माइनस 2 में 2 का भाग देंगे तो माइनस 1, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 और माइनस 1 कितना आएगा प्लस 1, आपका आंसर आएगा बेटा प्लस 1 प्लस एक। ठीक है बिल्कुल आराम आराम से करें, अगर आपको गुना भाग में दिक्कत है बिल्कुल प्यार से करें, बिल्कुल धीरे करें, गलती ना करें आप। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं, याद रखना यदि a प्लस आपको कहीं भी दिखता है a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a
अगर इनका मान एक है, इसका मान एक है, तो बेटा ध्यान रखना इसका मान भी क्या होगा, एक। आपको इन दोनों का मान आपको एग्जाम में देता है, ठीक है, और इसका मान आपसे पूछता है, इसका मान भी डायरेक्ट याद रखना एक, ठीक है। ये भी इसी पैटर्न का सवाल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा, 2400 देखे 12% में क्या जोड़े, तो फल 5400 18% के बराबर हो जाए। आप क्या करेंगे बेटा, आप क्या करेंगे इसमें 2400 का पहले 12% निकालो। 2400 का 12% कितना होता है, तो गुना करेंगे तो यह आएगा 288। कितना आएगा बेटा, 288। तो आप कर लीजिए 24 × 12 288 होंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप यहां करेंगे 5400 का कितना परसेंट निकालेंगे, 18% निकालेंगे, तो 5400 का जब 18% निकालेंगे तो आपका आएगा 972 आएगा। कितना आएगा बेटा, 972 आएगा, राइट। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दो, पता लग जाएगा कितना जोड़ना है ना। तो 972 में से जब हम 288 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, यहाँ तो आएगा 4, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ आएगा 8 में 2 है, तो कितना आंसर आएगा, 684। 684 इस सवाल का आंसर, तो ऑप्शन डी, कौन सा सही है डी। देखो डी आपका एकदम राइट आंसर है बेटा, तो डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। त्रिकोणमिति के बहुत सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, देन तब आप ये सवाल कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है इसमें, ठीक है। 1/(sin²)65 लिख रहा है। अब देखिए sin²65 है, और प्लस में एक और बात मिली है cos²65, ये दोनों ही एंगल एक जैसे हैं, तो sin², आपने एक बात पढ़ी होगी त्रिकोणमिति में, sin²θ + cos²θ इनका मान हमेशा कितना होता है, तो इसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। कब होता है एक, जब दोनों थीटा एक जैसे। आप देखो sin²65 + cos²65 इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस sin 15। अब sin 15 का मान हमें नहीं पता, तो जब मान हमें नहीं पता तो sin 15 को चेंज करेंगे, तो sin किसमें होता है बेटा, cos में चेंज होता है, किसमें होता है, cos में। और 15 को क्या करते हैं, 90 में से माइनस करते हैं, 90 में से 15 गए तो 75। अब नीचे क्या लिख रहा है, cos 75। अब देखिए ऊपर भी cos 75 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ एक, ये भी एक आ जाएगा, 1 + 1। अभी आगे देखिए और भी सवाल है, cos 65। अब cos 65 का भी मुझे मान नहीं पता, और cos 65 का जब हमें मान नहीं पता है, तो मान जब हमें नहीं पता, 65 डिग्री का मान पता है क्या, नहीं पता, तो cos 65 का आपको मान नहीं पता, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो cos किस में चेंज होगा, साइन में, और 65 को किस में से माइनस करेंगे, 90 में से 65 गया तो 25, और नीचे भी क्या है, साइन 25 कट गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ कितने एक आ जाएंगे, बोलो 3 आ जाएंगे साहब, कितने आ जाएंगे, 3। और यहाँ क्या लिख रहा है, बराबर में क्या लिख रहा है, देखो बराबर में क्या लिख रहा है, √3 tan θ, √3 tan θ, ये लिख रहा है। अब देखो एक, तो कितना हो गया, ये 3 बराबर √3 tan θ, ठीक है। अभी √3 को भेज देंगे नीचे, तो 3/√3 बराबर tan θ। अब बताओ 3 में √3 का भाग दो, क्या आएगा, √3, और √3 बराबर आ जाएगा tan θ। अब √3 tan θ, tan θ का मान √3 कब होता है, तो tan θ का मान √3 तब होता है जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो इस सवाल का आंसर ए, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, इसके ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए आगे आपको लिख रहा है 6/5 + 1/3 + 2/4 - 5/6 + 3/10 + 12/20 - 1/6 का मान बताएं, तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लिख रहा है, 6/5 और का मतलब क्या होता है, गुणा, फिर ब्रैकेट लग रहा है ना, ब्रैकेट लग रहा है ना, ब्रैकेट का लघुत्तम लो तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो फिर 4 तिया 12 लघुत्तम आएगा, ठीक है,
का भाग दीजिए 12 में, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 प्लस 4 का भाग 12 में दीजिए कितना जाएगा, 3 बार 3 माइनस 5 बटा 6, तब का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा। फिर क्या लिख रहा है बेटा, 3 बटे 10 प्लस 12 बटे 20, तो बताओ क्या आएगा 20। फिर 10 का भाग दीजिए 20 पर जाएगा, 2 बार और 3 दूनी 6 प्लस 30 एकम 20, 1 बार 12 एकम 12 और माइनस के 1 बटा 6। अब बस इनको गुणा भाग करना है और आंसर निकालना है, ठीक है, केवल गुणा भाग करना है और आंसर निकालना है। करते हैं 6 बटा 5 गुणा 6 और 4 होते हैं 10 बटा 12 माइनस 5 बटा 6 ये होते हैं 12 और 6 18 बटे 20 और माइनस के 1 बटे 6। बस अब इनको हल करते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर करते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2, कट गए यहां तो बच गया बेटा 1, याद रखेंगे। अब देखिए 6 तिया 18 और 5 चौके 20, क्या आएगा बताओ, माइनस का 3 बटे 4, सही है। फिर यहां आएगा बेटा माइनस के 1 बटे 6। अब बताओ इनमें लघुत्तम क्या आएगा, तो इसका लघुत्तम आएगा आपका 12, तो 12 एकम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, बताओ 12 में से 11 गए तो क्या बचे 1, 1 बटा 12 आपका आंसर। इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा, 1 बटा 12, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखें बच्चों, नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, 180 भाग 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 1, देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, 180 भाग फिर लिख रहा है 2 की पावर 3, पावर 3 8 होता है, पावर 2 होता है, प्लस 1 का 1 ब्रैकेट प्लस 33 माइनस का 20, यही है। सबसे पहले हमें पता है हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट को हल करें, 9 8 17, 17 और 1 18, अब 18 का भाग देंगे 180 में, तो 180 में 18 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, प्लस में 37 माइनस का 20, देखिए 37 और 10 हो गए 47, और 47 में से 20 गए तो क्या बचे 27 बचे, तो इस सवाल का आंसर आपका आ जाएगा 27। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, इसका हमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालना है तो ये सवाल हम कैसे करेंगे, इसका इकाई अंक बताओ 4 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 6 है। अब करते हैं गुणा, 8 चौक 32 और 6 चौक 24, तो इनका इकाई अंक बताओ, तो इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 दुनी 8, इकाई अंक आएगा 8, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को 4 से गुणा करो 8 और 8 48, 48 का इकाई अंक 8 है। दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कैच करें। नेक्स्ट देखिए, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, पहला भाग पूरी लंबाई का 1 बटा 5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3 बटा 2 है, पढ़ना इस लाइन को, जो भाग है वो पहले वाले भाग का 3 बटे 2 है, पूरे का नहीं है, पहले वाले भाग का 3 बटे 2, ढंग से पढ़ें इसको, और तीसरा भाग की रस्सी की लंबाई बताएं। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे और कैसे आपको करना है, तो वो आपको मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको यहां पर रस्सी की लंबाई मान लीजिए, माना रस्सी का 1, पूरी रस्सी अपनी है 1, ठीक है, टोटल रस्सी 1 है, अब उसका पहला भाग कितना है, पूरी लंबाई का 1 बटा 5, तो पहले का तो आ गया 1 बटा 5 आ गया। अब दूसरी वाली कितनी है, दूसरा वाला भाग कितना है, तो उसने बोला दूसरा वाला जो भाग है वो पहले भाग का 3 बटे 2 है, पहले भाग का, तो पहला भाग कितना है 1 बटा 5 है, उसका 3 बटे 2 है, करो 5 3 एकम 3, 5 दूनी 10। अब आपको निकालना है तीसरा भाग, क्या करें, इन दोनों भागों को पहले में से घटा दें, टोटल में से दोनों को घटा दें, तो एक में से गया 1 बटा 5 माइनस 3 बटे 10 जाते हैं, तो लघुत्तम क्या आएगा, बोलोगे 10 आएगा, 10 एकम 10, 5 दूनी 10,
दस एकम दस तो क्या आएगा तीन, तो दस में से पांच गया तो क्या बचा पांच, पांच बटे दस तो कितना आएगा आंसर एक बटा दो आ जाएगा। इसमें समझने वाली लाइन बस यही थी का भाग जो है वो पहले भाग का तीन। तो कुमार बैरवा आठ आंसर सत्ताईस पांच सत्ताईस आठ बिल्कुल सही है आपके आंसर बिल्कुल सही आंसर निकाले पिंटू बहुत अच्छा तरीके से आप आगे भी जो है उन सभी के सॉल्यूशन बताते रहें क्या क्या आपका आंसर आएगा ठीक है और फिर मेरे आंसर से मैच करें और आप तरीका भी देखें देखिए तरीका देखें क्योंकि हो सकता है आपने करा हो आपने दूसरे तरीके से किया है मैंने दूसरे तरीके से किया है तो आप वो देखें तरीके में कि भाई कि इस सवाल को सर ने डायरेक्ट जल्दी कर दिया या मैंने जल्दी कर दिया है ना तो तरीका भी देखें। अगला सवाल है आपके सामने चार पांच साइन चौदह डिग्री सेक छिहत्तर डिग्री प्लस तीन कोट पंद्रह गुणा कोट पिचहत्तर प्लस टू टेन पैतालीस का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके ना किसी रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं और वही क्वेश्चन आपके लिए गए हैं तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस हो रही है दोनों बैट टेस्ट भी हो रहा है आपका और आपकी इनकी प्रैक्टिस भी। देखिए बेटा पांच का तो पांच अब मैंने कहा था साइन चौदह है अब साइन चौदह का मान हमें नहीं पता और जब भी हमें मान नहीं पता तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते हैं ठीक है। राकेश मीना सपोर्टरा गुड इवनिंग सर जी हाँ गुड इवनिंग बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ ठीक है और इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें इसका आपको पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा श्रीराम टेक्निकल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए पेपर की और फिर मैं एक एक क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल राधे राधे। देखिए पांच गुना साइन चौदह डिग्री साइन चौदह डिग्री का मान हमें नहीं पता है तो यहाँ पर इसको बदलना पड़ेगा तो साइन बदलेगा बेटा कॉस में और चौदह का क्या करोगे तो में से घटा दो सॉरी नब्बे में से घटा दीजिए नब्बे में से चौदह गए तो नब्बे में से चौदह गए तो क्या बचे सही है। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है सेक छिहत्तर क्या लिख रहा है बेटा सेक छिहत्तर ठीक है प्लस तीन तीन गुना क्या लिख रहा है बेटा कोट पंद्रह अब कोट पंद्रह का मान भी हमें नहीं पता तो कोट को बदल दो कोट बदलेगा तो किस में बदलेगा टेन में और पंद्रह को क्या करोगे नब्बे में से माइनस नब्बे में से पंद्रह गए तो क्या बचे पिचहत्तर टेन पिचहत्तर गुना में क्या लिख रहा है बेटा कोट पिचहत्तर कोट पिचहत्तर ठीक है। फिर प्लस में क्या लिख रहा है टू टेन पैतालीस और टेन पैतालीस का मान कितना होता है एक होता है ये हमें पता है तो यहाँ पर दो एक ठीक है। अब देखिए बेटा एक बात याद रखना कॉस थीटा गुणा कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान हमेशा कितना होता है एक होता है याद रखेंगे कॉस का उल्टा क्या होता है सेक और कॉस को सेक से जब गुणा करते हैं तो कितना गुणा आता है एक आता है क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और आगे ऐसे टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा जैसा कि मैंने अभी आगे भी बताया था टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान भी क्या होगा एक होगा तो बेटा यहाँ पर कॉस थीटा गुणा सेक थीटा का मान हो जाएगा एक और टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान भी हो जाएगा एक। देखो पांच एकम पांच तीन एकम तीन दो एकम दो आपका आंसर आ जाएगा पांच और तीन आठ दो दस ठीक है आपका आंसर दस आ गया ठीक है। बच्चों की बहुत डिमांड है सर त्रिकोणमिति पढ़ाएं तो त्रिकोणमिति का मैं आपको जल्द से जल्द क्लास लेके आऊंगा ठीक है जल्द से जल्द क्लास लेके जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है। एक त्रिभुज से आपको कौन दे रखे हैं बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी थी अगर आपने अगर ये क्वेश्चन किया हो आप पे नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा वेट करें। देखिए मैं मिस्टेक बता देता हूँ क्या मिस्टेक अंदर देखिए आपको त्रिभुज दो तीन कौन दिए गए थे तो पहला कौन था आपका दो एक्स कौन सा था दो एक्स कौन था आपका 3x माइनस आठ कितना है 3x माइनस आठ है ये 3x माइनस आठ हाँ बिल्कुल राकेश बिना सपोर्ट का 10 बिल्कुल सही है। अब अगले सवाल का आंसर दें बहुत अच्छा वेल डन 5x और अगला तीसरा कौन है आपका 5x माइनस का 12 यही है ये 12 है ये x नहीं है यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ x नहीं है ये थोड़ा गड़बड़ी और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 100 कितना होता है त्रिभुज कोणों का योग 180। अब इसको करें 2x 3x 5x 5 और 5 10x आपका 10x हो गया माइनस 8 माइनस के 12 माइनस के हो गए 20 बराबर 100 माइनस 20 वहां जाके प्लस हो जाएंगे तो 10x बराबर आ जाएगा आपका 200 तो
तो बताओ x का मान क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 20 आ जाएगा x का मान, आ गया x का मान 20। अब यहां पर रखिए तो 20 40, यहां पर रखिए 20 60, 60 में से 8 गए तो 52, ठीक है। तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकालो, 20 5 100, 100 में से 12 गए तो 88, तो कौन आ चुके हैं। अब इसमें पूछा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण होगा 88, तो होगा बेटा 88, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, अगला है एक सिलेंडर की ऊंचाई हमें दे रखी है 14 सेमी, एक सिलेंडर की ऊंचाई हमें दे रखी है 14 सेमी और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 528। देखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528, सवाल को यहीं से करें स्टार्ट। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, क्या था 2πRh, कितना है बताओ 528 है, कितना है बेटा 528 है, ठीक है। आगे देखिए, 2 का तो 2, पाई का मान बोलो 22/7 गुणा में आर, और गुणा में क्या लिख रहा है h, h का है ऊंचाई, ऊंचाई आपकी दे रखी है 14 बराबर 528। अब यहां पर थोड़ी सी गुणा भाग करेंगे, वो तो करनी ही है, ठीक है। मैथ का नाम ही गुणा भाग है बस, गुणा भाग का नाम ही मैथ है। 7 × 14, ठीक है, 22 × 1 = 22, 22 × 44 कितना बच गया 8, 22 × 4 = 88, सही है। अब देखो ये 2 × 4, तो 4 × 6 = 24, तो बेटा त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई। अब त्रिज्या आपकी 6 आ गई, तो इस सिलेंडर का आपसे पूछा है आयतन, और सिलेंडर का आयतन होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है प्यारे बच्चों 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 6 है, तो यहां करेंगे 6 × 6, और एच का मान कितना है, तो एच का एच आपकी हाइट है, हाइट कितनी है 14, यहां पर 14 रखेंगे, 7 × 14, 6 × 12, 12 × 6 = 72, और 72 × 22 करेंगे तो 22 × 84 का 4 का, 22 × 44 का 4 का हासिल 4, 22 × 7 = 154, 158 आपका आंसर आएगा बेटा 1584। तो गुणा भाग आप अपने हिसाब से करें, मैंने मेरे हिसाब से किए, आप अपने, ठीक है, गुणा भाग बिल्कुल। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जो भी बच्चे देख रहे हैं, बलवीर चौधरी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए अगला सवाल, 23 सवाल आपके हो चुके हैं, अब 2 सवाल आपके बच रहे हैं बस। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है, दो धनात्मक संख्याएं उनका अनुपात है 3:7 है, ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है। अब ये जो संख्याओं को जो अनुपात दे रखा है, तो मैं मेरी क्लासेज जिन बच्चों ने लिया उनको मैंने बताया था, जब भी अनुपात में संख्या हो वो होती है फर्जी संख्याएं, एक फर्जी होती है। अब उनको रियल बनाने के लिए इनको एक्स से गुणा कर देते हैं, एक्स से गुणा करो 3x और वो संख्या आ गई 7x आ गई। अब इनका मैं आपसे कहूं लघुत्तम बताओ, इनका लघुत्तम आप कैसे लोगे, इनका लघुत्तम लो, इनका लघुत्तम कितना होगा 21x होगा, ये होगा ना 21x। अब मुझे बताओ इनका लघुत्तम है कितना, 231, तो बताओ 21x किसके बराबर हो जाएगा 200, x का मान क्या आएगा बेटा, तो भाग दीजिए 21 एकम 21, दो बच गए 21 एकम 21, तो बेटा x का मान कितना आ गया 11 आ गया, कितना आ गया 11। अब इस x का मान 11 यहां पर रख दीजिए, तो 11 तिया 11 है ना, तो 11 तिया 33 और 11 7 77। अब आपसे पूछे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 33 हो जाएगी, और अगर आपसे पूछता बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 77, राइट। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं संख्याओं का योग बताओ, तो इनका योग करेंगे 77 और 33 आपकी हो जाएंगे 110। नेक्स्ट सवाल, किसी समचतुर्भुज के आसन कोण, समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। देखिए आसन कोण का अनुपात है 3:6, इनको काट लो 1:2 ही है, क्या अनुपात है 1:2 ही है ना, जिसमें मजाक किया गया आपके साथ हल्का सा इसमें, तो 3:6 का मतलब 1:2 ही होता है ना। तो आपको यहां पर बोल रहा है कि एक चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है सम, आप कहोगे साहब सम चतुर्भुज कौन सा होता है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, आपने वर्ग देखा है, वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग, ये वर्ग है आपका, ये चारों भुजाएं समान है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, चारों भुजाएं समान। जब इसको हम थोड़ा सा धक्का दे देते हैं, ये वर्ग है, जब इसको हम थोड़ा सा धक्का देते हैं, इसे धक्का दे दिया तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे
टेढ़ा हो गया, राइट, ऐसे हो गया टेढ़ा। और ये टेढ़ा होने पर कौन सा चतुर्भुज बन गया? सम चतुर्भुज, ये होता है बेटा सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। अब रही बात, इसमें बोला आसन कोण, तो ये होते हैं आसन कोण, एक ही आसन पर बने, ये एक आसन है, इस आसन पर ये कोण बन रहे, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, ये आसन कोण है, इसका अनुपात दे रखा है 1:2, 1:2, इसका मतलब अगर ये एक्स है, अगर ये एक्स है ये कितना होगा, 2x होगा, राइट, 1:2 है ना, तो एक एक्स मान ली तो दूसरा 2x होगा, तो ध्यान रखना इन दोनों का योग 180 होता है, कितना होता है 180, तो इन दोनों का योग याद रखेंगे आप 3x है और 3x बराबर 180 है, तो बेटा x का मान क्या आ गया 60 आ गया, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो आपसे पूछा है छोटा कोण बताएं, तो छोटा कोण आपका 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से बेटा आपको आगे भी काफी सारे पेपरों के सॉल्यूशन कराए जाएंगे, इसी तरीके से आप क्लास के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहें, धन्यवाद।